ॐ गणानां त्वा त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा त्वा गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगुं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कवीनां कविगुं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कविं कवीनां कवीनां कविं कविं कवीनां कवीनामुपमश्रवस्तमुपमश्रवस्तमं कवीनां कविं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् कवीनामुपमश्रवस्तमुपमश्रवस्तमं कवीनां कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तमित्युपमश्रवः तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मनस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मनस्पते ब्रह्मनस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मनस्पत आपते ब्रह्मणो ब्रह्मनस्पत आपत आपते पत आनो न आपते पत आनः आनो न आन शृण्वन् शृण्वन्न आन शृण्वन् न शृण्वन् शृण्वन्नो नो शृण्वन्नोतिभिरोतिभिशृण्वन्नो नो शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन् नोतिभिरोतिभिशृण्वन् शृण्वन्नोतिभिस्सीद सीदोतिभिशृण्वन् शृण्वन्नोतिभिस्सीद ओतिभिस्सीद सीदोतिभिरोतिभिस्सीद साधनकुं साधनकुं सीदोतिभिरोतिभिस्सीद साधनम् ओतिभिरित्योतिभिः श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के रास पंचाध्याय के गोपिका गीत के नौवें श्लोक में गोपिकाएं कहती हैं तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृढन् तिते बोरेदा जना। ये गोपिकाएं कथा की विशेषता बता रही हैं। कृष्ण आपकी कथा अमृत है और गोपिकाओं को इससे अधिक उपयुक्त शब्द कोई नहीं मिल रहा, ये भी ध्यान रखें। वो कहती अमृत भी तुच्छ है, कथा के सामने अमृत भी तुच्छ है, लेकिन गोपिकाओं ने अपने भावना में कहा, जैसे छोटे से बच्चे को आप पूछो, जो भी जिसको बहुत अधिक एक्सप्रेशन नहीं देने आते, जिसको बहुत ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, आप उस छोटे बच्चे से पूछो कि तू कितना प्रेम करता है, तो वो क्या एक्सप्रेस कर सकता है। अब इस छोटे बच्चे को पूछो कि तू मुझे कितना प्यार करता है, तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, इसके पास शब्द नहीं है, ये कैसे वर्णन कर पाएगा। वो केवल एक कुछ इशारा कर देता है, जब उसे पूछा जाए तो कितना प्रेम करे, बोले इतना, एक इशारा है बस इतना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना सा, इसका मतलब वो अपने भाव में बता रहा है, अपने इमोशंस को वो नहीं जानता कि कैसे मैं, हाउ कैन आई एक्सप्रेस इट, लेकिन वो अपना एक इशारा दे देता है इतना, लेकिन उसके इतना मतलब इनफाइनाइट, उसकी भाषा में वो इनफाइनाइट है। जैसे मान लो एक बहुत छोटा सा बच्चा जो अभी गोदी के अंदर है, कुछ दिनों का है,
अब उसे बोलना तो नहीं आता, उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, पर जब माँ उसे गोदी में लेती है तो वो उसकी मौन प्रकृति में भी कितनी प्रकार की बातें करती है, उसकी आंखों को देखकर वो कितना कुछ अनुभव करती है। ये हर माँ का अनुभव है अपने बच्चों के साथ, है ना, कितने कितने घंटे उसके साथ लगी रहती है, वो आंसू भी बहा रहा है, वो मुस्कुरा भी रहा है, शब्द नहीं है उसके पास, शब्द बच्चे के पास नहीं है। लेकिन इस बात पर आप अनुभव करें कि मौन सब कुछ कह देता है, शब्द वर्णन करने में सक्षम नहीं है। मैं सात दिन क्या, सात जन्म क्या, अनंत जन्मों तक बैठकर भी अगर हम कृष्ण की बात करें तो बात पूरी नहीं होती, क्योंकि शब्द पूरे नहीं करते, मौन पूरा कर देता है। आंख बहुत कुछ कह देती है, आपकी आंख से टपकने वाले दीर्घ बिंदु आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। जो शब्द नहीं बोल पाते आंख बोल देती है, जो शब्द नहीं कह पाते मौन कह देता है, जो शब्द नहीं कह पाते आंख कह देती है। ये सब कुछ अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। इसलिए जब बच्चे से पूछा जाता है कितना प्रेम करे, वो इशारा किया उसने, केवल इशारा, लेकिन उसका इशारा लिमिटेड नहीं था, दायरे में नहीं था, बस भाषा का ज्ञान नहीं। या यूं कहें जब प्रेम अनंत पर होता है तभी शब्द थोथे हो जाते हैं, तभी शब्द काम नहीं आते, तभी मानस में तुलसी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो भी अनंत है, उसका भाव भी अनंत है, उसकी अनुभूतियां भी अनंत हैं, उसकी लीला भी अनंत है, उसके संत महात्माओं का अंतर का प्रेम भी अनंत है। इसलिए गोपिका ही कहती अमृत शब्द छोटा है। लेकिन इस वक्त संसार में सबसे विशिष्टतम अगर कोई शब्द हमें दिखता है तो वो अमृत ही है। इसलिए गोपिकाओं ने उसको एक्सप्रेस कैसे किया, तब कथामृतम ताप्त जीवनम। जिसको आता हो मेरे साथ गाइए, जिसको नहीं आता वो भाव में गुनगुनाइए। कृष्ण आपकी कथा अमृत है, और कैसा अमृत, जिसके रसा स्वादन करने मात्र से तप्त जीवनम, हमारे जीवन में कितनी विक्षेपता, कितनी अशांति, कितनी खलबली, कितनी विक्षेपताएं, लेकिन जैसे जैसे हम आपकी कथा का श्रवण करती हैं इससे हमारा तप्त जीवन तृप्त हो जाता है, और कोई साधन नहीं तृप्ति का। नारद जी के भक्ति सूत्रों में नारद जी ने कहा है, सात अस्मिन परम प्रेम रूपाच अमृत स्वरूपाच यत लब्धवापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। एक यही है जिनके चरण शरण में जाने के बाद मन तृप्त होता है। संसार की कोई किसी एक ऐसी वस्तु का नाम बताइए, तृप्ति का अर्थ क्या होता है, जिसको प्राप्त करने के बाद वह आपके मन में किसी और को पाने की इच्छा नहीं है, जिसको मिलने के बाद आपके मन में किसी और से मिलने की इच्छा नहीं है। कोई एक वस्तु बताओ संसार की जिसको प्राप्त करके फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, सोचो।
किराए के मकान में व्यक्ति रहते हैं तो इच्छा होती है अपना हो, भले 50 गज का हो, उसमें जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। थोड़ा अच्छी व्यवस्था हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें भी गाड़ी खड़ी हो तो और अच्छा है, एक गाड़ी आए तो फिर मन कहीं और होता है, क्योंकि मन की एक प्रकृति होती है। मन के पास जो है मन उससे संतुष्ट नहीं है, मन को वो चाहिए जो मन के पास नहीं है, बस ये मन की आदत है, ये मन का बिखराव है। और ये हर किसी की स्थिति है, ये मन की स्थिति ऐसी है कि जो जो मन के पास है मन उससे कभी संतुष्ट नहीं होता, मन को कुछ कुछ और चाहिए जो नहीं है, उसे लगता है कि जो उसके पास है वो ज्यादा बेहतर है मेरे से ज्यादा, अपने अपने आप से जीव सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है कि नहीं वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा है, यही बस मन की स्थिति है। तो मन तृप्त नहीं होता संसार की किसी वस्तु में, और तभी नारद जी कहते हैं तृप्ति का एक ही साधन है कि यत लब्धवापमान तृप्तो भवति। एक ये है जिनके शरण शरण में आने के बाद, उनके नाम का आश्रय लेने के बाद तब तो जीवन तृप्त हो जाता है। तभी गोपिका कहती तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे कृष्ण आपकी वाणी अमृत है, और एक ऐसा अमृत जिसका रसा स्वादन करने के बाद हमारा अतृप्त मन भी तृप्त होने लगता है, अंतर्मन शांत होने लगता है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो श्रवण करने से क्या होता है, आगे गोपिकाएं कह रही हैं श्रवण मंगलम, ये परमानंद। अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने, मनीषियों ने, ग्रंथों ने इसको अलग अलग रूप में कहा कि वाणी के श्रवण करने से क्या होगा। प्रथम गोपिकाएं कह रही हैं गोपिका गीत में श्रवण मंगलम, श्रवण करने से क्या होगा, आपका मंगल होगा। आप 7 दिन बैठकर कथा का आनंद लेंगे तो आपका मंगल होगा। संत कुमार इसी शब्दों को किस भाव से कह रहे हैं कि श्री मद भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, इस वाणी को श्रवण करने से आपके जीवन का शोक दुख पाप संताप सब ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ये भागवत की महिमा है। भागवत प्रथम आपको निशोक करती है, उदासी खत्म कर रही है, भीतर के शोक को खत्म कर रही है, भले बाहर तूफान चल रहे हैं पर आपके भीतर मन को शांत कर रही है, ये भागवत की महिमा है। श्री मद भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, इसी को गुरु महाराज जपजी साहब में कह रहे हैं कि नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश, के वाणी के अमृत का रस स्वादन करने से, वाणी को श्रवण करने से आपके जीवन का दुख पाप ताप सब ध्वस्त हो जाता है श्रवण करने से। पर श्रवण का अर्थ क्या है, श्रवण माने बताओ, श्रवण माने, लेकिन इसको थोड़ा और बारीकी समझो। अब मैं बोल रहा हूं आपके कान मेरी ओर है, मेरे कहे शब्द आपके कान में जा रहे हैं पर मन मेरी ओर नहीं है, तो फिर श्रवण नहीं होगा। श्रवण परिपूर्ण कब होता है, आपके कान भी मेरी ओर होने चाहिए और आपके मन भी यही होना चाहिए, तो श्रवण होगा। दर्शन कब होगा, आप वृंदावन गए श्री ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हो, पर्दा हटा और भगवान सामने श्री बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन दर्शन कब होगा, आंख भी उनकी ओर है और मन भी वही है, तभी हो पाएगा ना। जीवा स्वाद कैसे लगती है, केवल जीवा का उसमें रोल नहीं है, आपके ब्रेन का भी है। जब जीवा जिस स्वाद को ले रही है ये इसके मैसेज को ब्रेन तक कन्वे करेगी, वो उसको कैच करेगा, अगर वो कैच नहीं कर पा रहा तो आप स्वाद लेकर स्वाद नहीं ले पाएंगे। आंख आपकी ओर है, आपकी इमेज मेरे रेटिना पर जा रही है, लेकिन रेटिना उस मैसेज को आपके ब्रेन तक नहीं लेकर जा पा रहा तो क्या आप देख पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। या फिर रेटिना से आपकी इमेज आगे पीछे हो रही है तो आपको दिक्कत होगी, आपको दोष हो सकता है आई साइट में, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जैसा भी होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर इमेज आपकी नहीं वहां पर नहीं सेटअप हो पा रही है, उसका मैसेज आपके ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है, आवश्यक है वो मैसेज यहां तक पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार दर्शन कब होगा, आंख भी कृष्ण की ओर है और मन भी कहां है, कृष्ण की ओर है। श्रवण कब होगा, कान भी यही है, जो मैं शब्द कह रहा हूं वो आपके कान तक पहुंच रहे हैं लेकिन मन कहीं और जोड़ रहा है, बैठे यहां हो मन अभी घर में है, बैठे यहां हो और मन 22 की मार्केट में घूम रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर श्रवण नहीं होगा।
जो महाराज फरमा रहे हैं कि नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। आपके केवल श्रवण करने से, सुनने मात्र से जीवन का दुख कष्ट संताप सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये प्रमाण है इस बात का। आज फर्स्ट डे है ना, इंट्रोडक्शन डे है, तो जो नए नए आए हैं वो थोड़ा थोड़ा अभी बीच में चलेंगे, एंटर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये भागवत की महिमा है, आप प्रवेश करते हैं, आप परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। चलो अब वो प्रैक्टिकली है सब कुछ, लेकिन अभी तो हमें कुछ चर्चाएं और करनी है, कुछ बातों को समझना है, क्योंकि पहला दिन तो साथ में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती है। फर्स्ट डे हम थोड़ा सा महिमा को समझते हैं, और वैसे भागवत का प्रथम दिवस महात्मा का होता है, हम क्यों सुन रहे हैं, प्रथम प्रश्न यही होता है। हम सात दिन क्यों आ रहे हैं, प्रश्न यही है, क्या लाभ होगा। हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे पहला प्रयोजन होता है, हमारा क्या फायदा होगा उसको सुनने से। इसलिए कुछ चीजों को समझना है बारीकी से, फर्स्ट डे की है। एक तो भागवत में ये तीन चीजों को ध्यान रखना, अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीनों आपको यहाँ पर मिलेंगे और करना भी है। अर्पण का अर्थ क्या होता है, अर्पण माने उच्ची बोलो नहीं, अर्पण तर्पण समर्पण तीनों में फर्क है थोड़ा सा। अर्पण का अर्थ होता है अपने में से कुछ देना, आपके पास बहुत कुछ है उसमें से आप कुछ दे रहे हैं तो वो अर्पण होता है, समर्पण नहीं है वो, इसमें थोड़ा भेद है। अर्पण का अर्थ है जैसे मान लो आपके द्वार पर कोई मांगने के लिए आया, अब आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास अन्न के भी भंडार भरे हैं, आपके पास पैसा भी है, हर चीज आपके पास, सुविधाएं हैं हर प्रकार की, मांगने वाला आया आपने कुछ दिया, आपके पास बहुत है ना उसमें से कुछ दिया तो वो क्या हो गया, अर्पण। अब भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, एक दिन में 24 घंटे दिए, आपने 24 घंटे में से 3 घंटे कथा में दे रहे हो, आप दे रहे हो यहां बैठकर, आप अपना समय दे रहे हो, 24 में से 3 घंटे आपके पास काफी समय था, आपने कुछ समय प्रदान किया, तो ये क्या हो गया, अर्पण। इसको बोलते हैं आप अर्पण। कोई किसी कोई दीन दुखी किसी को मेडिकल सुविधा की जरूरत है, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, उसको प्रदान किया, तो वो क्या हो गया, अर्पण। अपने में से कुछ देना अर्पण। तर्पण का अर्थ क्या है, तर्पण माने अपनों को देना। हम तर्पण केवल पूर्वजों तक लगा लेते हैं, केवल पूर्वज तक तर्पण नहीं होता, इसको थोड़ा ध्यान समझना है। तर्पण का गहरा अर्थ क्या है, अपनों को देना। अपने कौन, सबसे पहले अपने वो जिनके कारण आज हम संसार में हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, जिनके कारण हम ये संसार देख रहे हैं, जिन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया, सर्वप्रथम हम उनको प्रणाम करते हैं। जब आप यहाँ बैठे हो ना बाबा के साथ, तो एक प्रार्थना अंतर्चित में चलती है, हे कृष्ण आप ऐसी कृपा करें, आपकी वाणी का अमृत, आपकी वाणी की ऊर्जा सर्वप्रथम मेरे उन पूर्वजों का उद्धार करें। वो आज उनकी ऊर्जा जिस भी रूप में इस यूनिवर्स के अंदर है, आपका ये ऊर्जा, आपकी दिव्यतमता उन तक पहुंचे और उनका वहां कल्याण। अगर किसी कारण से मान लो को मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि फॉर्म तो यहीं पर है एनर्जी की, किसी कारण से कोई जीव मुक्त नहीं हो पाया, तो प्रभु आप अपनी वाणी के द्वारा, अपने इस अमृत के द्वारा उनका उद्धार करें, उनका कल्याण करें और इस ऊर्जा को वहां तक पहुंचाकर उन्हें मुक्त करें। प्रथम अपनों को, लेकिन प्रथम अपने कौन, या तीन कैटेगरी है। प्रथम जो अब नहीं है, कभी थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन जिनके कारण हम आज वर्तमान देख रहे हैं, तो प्रभु सबसे पहले आप उन सब का उद्धार करें। दूसरे अपने कौन, जो इस वक्त हमारे साथ है, माता पिता, बंधु बांधव, मित्र सखा, हमारे रिश्तेदार, बच्चे, पति पत्नी, है ना, हर प्रकार का रिश्तेदार और मित्र, बस दोस्त वगैरह इत्यादि जो भी हमारे पास पास है, इसके अलावा जिनसे हमारा कनेक्शन हो रहा है, अड़ोस पड़ोस वालों से, सब अपने। केवल इंसान नहीं, पशु पक्षी उनके साथ भी हमारा संबंध है किस तरीके से, इन पेड़ पौधों के साथ भी संबंध है। आप लोग यहाँ बैठे हो, कृष्ण कृपा हुई आप यहाँ आ गए, लेकिन केवल आप थोड़ी आए, ये पेड़ पौधे जो हैं ये क्यों आए, इसके पीछे भी कारण है, ये भी यहाँ यूं ही नहीं बैठे हैं, इसको इस विज्ञान को पूरी अच्छी तरह समझना, ये यूं ही नहीं बैठे हैं,
इन सब के साथ हमारा संबंध है, और जब भगवान की वाणी का अमृत बरसता है तो फिर सबका कल्याण होता है। इसलिए दूसरे प्रथम तर्पण किसकी बात हम कर रहे हैं, वो अपने जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे संबंधी हैं, या इसके अलावा आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो प्रभु जो याद है उनका भी कल्याण करो, और जो यहाँ से स्किप हो गए हैं, जो यहाँ से भूल गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम मिले हैं आपस में, कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात हुई है, तो वो भी अपने हैं, तो प्रभु उनका भी आप कल्याण करो। बड़े निश्चल भाव से यहाँ बैठकर, ये प्रथम दिवस प्रार्थना का दिवस होता है, ये महिमा को जानने का दिवस है, प्रभु आप उन सबका कल्याण करना। और तीसरा अपने कौन, जो अभी आएंगे, जो हमारे परिवार में आएंगे, परिवार बढ़ेगा, विवाह शादी होगी, बच्चे होंगे, उनके आगे फिर कितनी फैमिली आपस में जुड़ेंगी, कनेक्शन होगा, उनका भी कल्याण करो। इसके अलावा हर रोज हम निकलते घर से, कितने लोग फिर मिलते हैं, नए नए संबंध बनते हैं, नए मित्र बनते हैं, तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि इस भागवत की वाणी के द्वारा मेरे वो अपने जो इस वक्त धरती पर नहीं है फिजिकल फॉर्म में लेकिन किसी और फॉर्म के अंदर है, उनका भी कल्याण करो, जो इस वक्त मेरे साथ संबंध है किसी तरीके से। और संबंध में ये नहीं करना जिनका मेरे साथ लगाव है, जिसकी मेरे साथ अटैचमेंट है, जिनका मेरे साथ प्रेम है, वो लोग भी जिन कारण से मेरा मन किसी से खिन्न है, उदास है, द्वेष है, शिकायत है, आप उनका भी कल्याण करो। और एक बात समझ लेना, आज जब आप भागवत में प्रवेश कर रहे हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपकी खटपट है, सबसे पहले उसी को याद करो जिसके साथ आपका द्वेष है, जिससे आपको शिकायत है। पहली प्रार्थना ये करो, हे प्रभु हमारे मन का मतभेद, मन मुटाव खत्म हो, और प्रभु आप उसका भी कल्याण करना। यह सबके कल्याण की भावना, समस्त लोकाहा सुखिनो भवंतु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आप सबका कल्याण करना। क्योंकि अगर किसी के लिए एक ही शिकायत भी रह गई, अगर किसी लिए कि आपके मन में छोटा सा क्षणिक भी द्वेष रह गया, तो जो भागवत भीतर उतरनी है ना, जो अमृत आपको लेना है, वो आप उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसको समझना। इसलिए तर्पण का अर्थ क्या है, अर्पण माने अपने में से कुछ देना, तर्पण माने अपनों को देना, और समर्पण माने अपने को ही दे देना। अब समर्पण माने पूरा, मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, गाया करो, जो आता है वो गुनगुनाओ। मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के प्रभु क्या लागे है मेरा। अर्पण माने अपने में से कुछ देना, तर्पण माने अपनों को देना, और समर्पण माने अपने को ही प्रदान कर देना। इसलिए जब कथा में आओ, इस अमृत की प्राप्ति करो। गोपिकाएं कह रही हैं श्रवण मंगलम, और महाराज क्या फरमा रहे, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। और संत कुमार कह रहे हैं कि यस्य श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रित, ये वाणी ऐसी है। हमारे परम संत डोगरे बप्पा जी हमेशा बोलते हैं, प्रभु हम कलिकाल के जीव है, तब तो होता नहीं हमसे, बहुत बड़ी साधनाएं हमसे नहीं होती, और कलिकाल के अंदर तो शरीर में भी बल कहाँ है, शरीर में बल कहाँ, थोड़ी देर बैठोगे तो शरीर थक जाता है, बैठ नहीं पाता, कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन कथा की स्मरता ऐसी है, आप जितने घंटे बैठ जाओ आप रिलैक्स हो जाओगे। ये कथा की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जितना अधिक उसके नाम स्मरण करो, सात दिन बैठकर हमें केवल भगवान को याद ही तो करना है, और उससे भी विशिष्ट बात को हमें याद करने नहीं आए, श्री ठाकुर जी हमें याद करते हैं तभी तो बैठे हो, और कौन आएगा यहाँ पर जिसको प्रभु बुलाएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। धन्यवाद दो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हम लोगों को चुना है, आप नहीं आए बुलाए गए हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं।
घर की आवाज को सुनते कृष्ण में और श्री जी में कि कृष्ण कृपा करते हैं,
कृष्ण कृपा करते हैं पर श्री जी कृपा बरसाती हैं। पुरुष में और स्त्री तत्व में एक भेद होता है, पुरुष में तर्क होता है और स्त्री में समर्पण होता है, भाव होता है। द्वार पर कोई याचक आए ना तो पुरुष दिखता है, वो दिमाग से तर्क करेगा उसको देना कि नहीं देना, वो कैसा है। ये प्रकृति पुरुष में, पुरुष देह में, लेकिन स्त्री में भाव होता है। द्वार पर कोई आया, याचक मांग रहा है, वो अंदर से कुछ लेके बाहर निकलती है उसके उसके मन के अंदर, क्योंकि जहां इमोशंस होंगे, भाव होगा, वहां पर क्या होगा, देने की प्रकृति पैदा हो जाएगी। इसका नाम क्या है? श्री मद भागवत। श्री मद भागवत, श्री माने, इसके दो अर्थ निकलते, श्री माने एक किशोरी जी, मद आवेश, भागवत। भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है और भागवत का एक अर्थ भगवान भी होता है। कि जब किशोरी जी को मद आता है, जब श्री जी को आवेश आता है, आवेश मतलब करुणा से परिपूर्ण, कृपा से परिपूर्ण, जिस वक्त श्री जी को आवेश आता है उसी वक्त अनंत कोटि ब्रह्मंड के राजाधिराज भगवान स्वयं भागवत के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भागवत के रूप में परिणत हो जाते हैं। और एक अर्थ हो रहा है श्री माने किशोरी जी, मद माने भंडार, कि श्री जी के भंडार में चार चीजें हैं, भागवत, यहाँ चार शब्द है ना, ब ग व और त। ब माने भक्ति या भाव, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग, ये चार चीजें। जैसे आप श्रीमद् भागवत में आएंगे, श्री माने किशोरी जी की शरण में आएंगे, तो श्री जी की शरण में आते ही जब वो करुणा बरसाती हैं तो इन चार चीजों की प्राप्ति आपको होती है। आपके चित्त में भाव की सृजना भी होती है। सबसे पहले भागवत आपके हृदय में भाव को ही क्रिएट कर लेगी। अब डोगरे पप्पा क्या कह रहे हैं, प्रभु हम कलिकाल के जीव हैं, बहुत लंबी चौड़ी साधनाएं हमसे नहीं हो पाती। यहाँ कलिकाल के जीव से तो आंख बंद करके, अब मजे की बात क्या, आंख खोलो तो इतने विचार नहीं आते, और जैसे आप आंख बंद करोगे तो हजारों हजारों थॉट्स आपको गिरने शुरू कर देंगे। जो नहीं भी खुली आंख से आ रहे वो भी आंख बंद करके आने शुरू हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करें, साधना हम कर नहीं पाते। जिंदगी में साधना करने के बाद भी हर व्यक्ति ही बोलता है, महाराज जी क्या करें, मन नहीं लगता। जिंदगी भर पूजा पाठ की, जिंदगी भर यज्ञ किया, तप किया, खूब माला पर जप किया, लेकिन आज भी 70 साल की उम्र होगी, 80 साल की उम्र होगी, तब भी मन विक्षेपित हो रहा है, तब भी मन की ठोर नहीं, मन की शांति नहीं। हम क्या करें, अभी मन कंट्रोल में नहीं है, यह सबकी स्थिति है, ये प्रश्न सबका है। भले कोई बालक है, भले कोई युवा है, भले कोई वृद्ध है, ये प्रश्न साथ में है, तो बड़ी गड़बड़ है। तो क्या करें, मन फिर विक्षेपित है इतनी साधना करने के बाद भी। बप्पा भी ये बोल रहे हम कलिकाल के जीव, मन विकारों से घिरा हुआ है, दूषित मन है, हम कितना प्रयास कर लेते हैं लेकिन फिर भी मन आपके चरणों में नहीं लगता, संसार की ओर बिना कहे दौड़ता है, लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में मन नहीं जाता, ये मन की गड़बड़ है। लेकिन ये आपकी कृपा है, बप्पा बोलते प्रभु ये आपकी कृपा है कि आपने कृपा करके हमें सत्संग में ले आए हो, कथा में ले आए हो, तो कथा के द्वारा हमारे कान तक तो आई गए हो, क्योंकि वाणी श्रवण कैसे करोगे, कान से करोगे ना। तो बप्पा कहते प्रभु ये भी कृपा आपकी है, हमें ऐसा विचार नहीं था, आप यूं ही नहीं बैठे हो यहाँ पर कथा सुनने के लिए, आप यूं ही नहीं आ रहे। कभी मन में कोई भाव पैदा होता है कथा श्रवण करने का तो प्रकृति मार्ग देती है, तो यहाँ पर बैठकर भी भगवान का धन्यवाद दो, प्रभु आपने कृपा करके बुलाया। जिस पर कृपा होगी वो दूसरे शहर से भी आ जाएगा, दूसरा शहर छोड़िए हमारा, दूसरी कंट्री से भी आ जाएगा। जिसको बुलाना है वो अमेरिका से भी आएगा, लंदन से भी चल के आएगा, ऑस्ट्रेलिया से भी आएगा, लेकिन जिस पर करुणा नहीं, कृपा नहीं है, वो पड़ोस में रहकर भी नहीं आ सकता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे हाथ उठा के मुस्कुरा के बोला करो ना, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पर तो पहले भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने कृपा की। पापा कहते प्रभु ये आपकी कृपा का परम फल है कि आपने हमें बुलाया और फिर बुलाकर कान तक तो आई गए हो ना।
तो फिर बप्पा रोने लगते, बोले प्रभु एक कृपा कर दो, कान तक तो आई गए हो तो दो कदम और आगे बढ़ाइए और मेरे दिल में आकर अवस्थित हो जाइए, श्री वृंदावन बिहारी मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि यही भक्ति का परम फल है कि यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, जिसके श्रवण करने से, ये भागवत की महिमा है कि केवल श्रवण करने मात्र से श्री ठाकुर जी आपके हृदय में आकर अवस्थित हो जाते हैं। ये शरीर ज्ञानी की नजर से देखोगे तो वो कहेगा शरीर हड्डियों से, मांस से, रक्त से बना हुआ केवल एक पिंड है, इसमें दुर्गंध ही दुर्गंध है। लेकिन अगर भक्त की नजर से देखोगे तो भक्त एक ही बात कहता है, प्रभु ये शरीर भी आपका मंदिर है, ये शरीर भी आपका मंदिर है, और इस मंदिर रूपी शरीर के अंदर जो हृदय है वो आपका गर्भ स्थान है, और यहां पर भगवान को विराजमान करना है तो पहले क्या करेंगे, अब आपको खबर मिले कि घर में भगवान आ रहे हैं, श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले फटाफट घर की सफाई साफ करो, कूड़ा करकट बाहर निकालो, बिल्कुल स्वच्छ कर दो, और फिर उसके बाद सजाओगे उस घर को। क्यों? खबर मिली है कि प्रभु आ रहे हैं। अब शबरी को गुरु कहते हैं ना कि राम आएंगे, विचार करें, और शबरी ने तब से ही सफाई करनी शुरू कर दी, हर रोज रास्ता साफ कर रही है, पुष्प चुन के लेके आ रही है, मार्ग बना रही है, फल चुन के लेकर आ रही है। अब गुरु ने ये तो नहीं बताया कि कब आएंगे, 13 साल की आयु है, और गुरुदेव इतनी कृपा कर रहे हैं कि शबरी मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न, और फिर जब गुरु देने पर आते तो महाराज फिर क्या देते। शौनक जी कह रहे हैं चिंता मनि लोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल जगत का सुख देती है, कलह वृक्ष स्वर्ग का सुख देता है, लेकिन शौनक जी कहते हैं लेकिन जिस पर सदगुरु कृपा कर दे, जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए, उसे तो साक्षात वृंदावन बिहारी ही प्रदान कर देते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, उसे प्रभु तक ले जाते हैं। ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, और कोई मार्ग नहीं है। हमारे जन्म जन्मांतर के प्रयास भी छूट जाते हैं। वाणी में महाराज फरमा रहे हैं एक को ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये मत समझना आप प्रयास करके बैठे हुए यहां पर, ये मत विचार करना कि आप प्रयास करके घर से चल के यहां तक आए हो, ये प्रयास नहीं है, ये प्रसाद है। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले धन्यवाद दो, प्रभु आपने कृपा करके ही चुना है, आपने कृपा करके बुलाया है। 7 दिन बैठकर हम थोड़ी भगवान को याद कर रहे हैं, कन्हैया याद कर रहे हैं तो बैठे, हमारे प्रयास का फल नहीं, प्रसाद का फल है। प्रसाद की अनुभूति करो और फिर स्वीकार करो, प्रभु मुझे बैठना भी नहीं आता, मन कैसे अर्पण करूं नहीं पता, इतने इतने विकार और एक जन्म की आदत नहीं है। वल्लभाचार्य कहते मन स्वभाव तो दुष्ट है, मन का स्वभाव ही दुष्ट है। कारण क्या? अनंत जन्म संसार का भोग करते 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 हो गए तो मन बिगड़ गया ना, बिगड़ायल हो गया, अब इतनी जल्दी तो उसमें नहीं आता, तो फिर क्या करे, मन नहीं लगता। अब प्रश्न सबका होता है, तो भाई जी बोलते मन लगे कि नहीं लगे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो इस झंझट में ना पड़ो, आप नाम का आश्रय लो, भाव नहीं है तब भी जपो, श्रद्धा नहीं तब भी आओ, बिन भाव के बैठ जाओ बस, क्योंकि नाम का एक स्वभाव होता है, कथा का एक स्वभाव होता है कि कथा जब भी सुनोगे वो आपका कल्याण करेगी किसी तरीके से आए, नाम का स्वभाव आपका कल्याण करना किसी माध्यम से आए, मन लगे चाहे नहीं लगे। तुलसी मेरे राम को रीज बोझो या खीज, तुम बड़े भाव में कृष्ण कहती तब भी कल्याण, ये बच्चों को अलग अलग कर दो। आप बड़े उत्साह से नाम जपते हो तब भी वो कल्याण करेगा, किसी का उपहास करने के लिए नाम जप रहे हो तब भी वो आपका कल्याण करेगा। जैसे अग्नि का स्वभाव भक्षण करना है, अब कोई अग्नि में कूद जाए वो मन से कूदे या बिना मन के कूदे तो अग्नि तो भक्षण करेगी ना, अब विष का काम अपना है
कोई उसको मन से पिए या बिना मन के पिए तो वो प्रभाव तो दिखाएगा। तो नाम का भी एक स्वभाव है कि नाम कल्याण ही करता है किसी तरीके से आए। आप गुस्से में बोलो कृष्ण, आप किसी का व्यंग करने के लिए कृष्ण बोल दो, आप बड़े प्रेम से कृष्ण बोलो, किसी स्तर पर उस नाम को जपो, लेकिन नाम जीवा पर आएगा तो क्या करेगा, कल्याण करेगा। और तुलसी तो हाँ, क्या सुंदर कहते मानस में महाराज, राम नाम मणि दीप धर, बोले इस राम नाम के दीपों को प्रज्वलित कर और जीवा पर रख ले। किस लिए बोला, संकेत किया, संकेत क्या किया कि जैसे मान लो घर के अंदर अंधेरा है, अब रात हुई, भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, हमने क्या किया, एक दीपक प्रज्वलित किया, एक दीपक प्रकाशित किया, उसे देहली पर रखा। तो देहली पर रखने पर क्या होगा, अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार राम नाम के दीपक को तो अपनी इस जीवा पर रख ले, उसे क्या होगा, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा और तेरे अंदर भी प्रकाश हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर, जे दे हरि द्वार, यहाँ पर तुलसी भीतर बाहर हु जो चाहस उजियार। तो भीतर भी प्रकाशित हो गया और बाहर भी प्रकाशित हो गया। इसलिए कई बार लोग कहते हैं भागवत का फल क्या, हम भागवत सुने सात दिन बैठकर इसका फल क्या है। पहली बात समझ लो, भागवत अपने आप में ही फल है, ये अपने आप में ही फल है। मंगलाचरण में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि निगम कल्प त्रोर गलितम फलम शुक मुखाद मित द्रव संयुतम पीवत भागवत रस माल्यम मुह रहो रसिका भूवि भावु कहा। समस्त वेदों का शास्त्रों का पका हुआ फल अगर धरती पर कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा ही है। ये अपने आप में फल है। तो फिर फल का फल क्या होगा, अब ये विचार करो, इसको सुनने के बाद, इसमें बैठने के बाद क्या फल की प्राप्ति होगी, ये बात को छोड़ दो। ये तो आपको फल मिल गया, ये तो सात दिन बैठकर आपको फल ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर इस फल का फल भी कुछ होगा। वो रसिक जन बड़ा सुंदर उस बात को व्याख्या करते हैं। आप क्यों सुन रहे हो, कारण एक ही है, प्रभु अनंत अनंत जन्म बीत गए, बिछड़े हुए संसार के भोगों में, लेकिन हमने लाख प्रयास किए, हमारे अंदर की दूषित कामनाएं शांत नहीं होती। ये मद मोह अहंकार किसी भी रूप में कहो, हम में से कौन ऐसा है जिसमें ये नहीं है, क्या आप, क्या मैं, सब में है। काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ भी है, मोह भी है, सब में है, सब में है। गोपिकाओं में हम में एक भेद है, गोपिका स्वीकार करती है, जैसे आपके चित्त में भक्ति अंकुरित होती है ना, मैंने कहा भागवत का प्रथम शब्द भ है, समझना, आपके अंदर श्रवण करते करते भक्ति प्रकट हो रही है और भक्ति का स्वभाव है, भक्ति जैसे आएगी आप विनम्र हो जाओगे, ये भक्ति की खूबी है। भक्ति जैसे आपके चित्त में प्रवेश करती है वो सबसे पहले आपके अहंकार को ध्वस्त करके रख देती है। इसलिए भक्त को कभी देखना, भक्त बड़ा विनम्र दिखेगा, उसके नेत्र सजल होंगे, आप बात भी करोगे ना तो वो लजाता है, आप उसकी प्रशंसा करोगे ना, उसके पास शब्द नहीं होते, वो बहुत सहज होता है, उसके हाथ जुड़ जाएंगे, सर झुका के बात करेगा, नेत्र देखोगे सजल, माने पानी होगा नेत्रों में। जब ऐसा कुछ होने लगे, यहाँ पर बहुत लक्षणों की बात की गई है, नारद जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसके लक्षण है, प्रथम लक्षण यही है, क्या आपके अंदर भागो जा रही है तो कैसे खबर मिलेगी, पहले आंख ही बताती है। अगर सात दिन में श्रवण करते करते एक बार भी आंख नहीं भरती है, एक बार भी आम नहीं छल छलाई आपके नेत्र, तो समझना ये भीतर नहीं जा रही, ये भीतर नहीं जा रही। मानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है, और कौन सा, पुष्प वाटिका, जब राम जी पहली बार सीता जी से मिलते हैं। मानस में दो वाटिका का जिक्र है, आप सभी जानते हो, रामायण सबने पढ़ी है, और दो वाटिका कौन सी, एक महाराजा जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी महाराजा रावण की
अशोक वाटिका, और दोनों वाटिका के मूल में भगवती सीता है। पुष्प वाटिका में भी सीता जी हैं, और यहां पर भी जनक दुलारी, जनक नंदनी, जानकी जी बैठी हैं। कहां पर? अशोक वाटिका में। तो सीता कौन है? भगवती स्वरूपा भक्ति है। और इस संकेत को समझ लें, जहां भक्ति होगी वहां परमात्मा को खुद आना पड़ेगा। भक्त नहीं चल के जाता, भगवान स्वयं चलकर भक्त के यहां पहुंच जाते हैं। शबरी नहीं चलकर जाएगी अयोध्या में, शबरी को तो गुरु कहेंगे तू प्रतीक्षा कर, मैं बड़ा खुश हूं और गुरु के अंदर मंगू, मैं तुझे क्या दूं? तो गुरु के शब्द निकले, क्या महाराज क्या अलौकिक शब्द है, सुन शबरी मैं आशीर्वाद देता हूं। वो दुनिया का दाता, अनंत कोटि ब्रह्मंड के राजा धीराज रघुनाथ जी नंगे पग चलकर तेरे घर पर आएंगे, तेरी कुटिया पर पहुंचेंगे। बस इतनी बात कही। और यहां तो महाराज मजे की बात है, शबरी पलट कर पूछ ही नहीं रही कब आएंगे। आपको गुरु कहे ना मैं तेरे घर आऊंगा, पहले पूछोगे कब आओगे, क्योंकि हमसे प्रतीक्षा तो नहीं होगी, पहले पूछोगे कब आओगे। अब वो बता भी दे इस डेट को आऊंगा, फिर अगला प्रश्न भी कर दोगे आप कितने बजे आओगे ये भी बता दो, क्योंकि हमारी प्रतीक्षा तो कुछ घंटे तक की भी नहीं है। और शबरी का भक्ति देखो कैसी है, अंदर की सहजता कैसी है। गुरु कह रहे हैं राम आएंगे, तो शबरी नहीं पूछ रही कब आएंगे, उसे आवश्यकता ही नहीं पूछने की, क्योंकि उसका भोलापन, उसकी सादगी तैयार है अपने राम की प्रतीक्षा करने के लिए, वो कर लेगी। गुरु ने इतना कहा वो आ जाएंगे। तो शबरी ने बस एक प्रश्न किया था कि जब भगवान आएंगे, अब मैंने तो नहीं देखा भगवान कैसे, राम जी कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव आपने कहा है तो निश्चित है प्रभु आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो मैं कैसे जानूंगी यही भगवान है, मैं कैसे अनुभव करूंगी यही श्री राम है। तो गुरु ने कहा, बड़ा भोलापन शबरी के अंदर, गुरु ने एक ही बात कही थी, बोले बिटिया एक बात ध्यान रखना, जिस दिन वो आएगा उसके चरण देखना, जिस दिन वो आएगा उसके चरण देखना, जिसके चरणों को देखकर तुझे मेरे चरण याद आ जाए, समझना यही तेरे राम है। पहचान भी क्या दी चरणों की पहचान, और पहचाना भी शबरी ने चरण देख कर था। और फिर प्रतीक्षा सफाई आई, पर काम क्या दिया, गुरु को शिष्य की पात्रता पता होती है, उसमें कैसी पात्रता है। तो गुरु ने एक ही बात कही थी, बिटिया तू सफाई किया कर, अब भगवान आएंगे किस मार्ग से पता नहीं है, तो बस उस रस्तों को साफ कर दिया कर। और शबरी ने क्या किया हमारा, जितने रस्ते थे सब साफ कर देती थी, पुष्प चुनकर लेकर आना, बिछा देना, फल चुन के लेकर आना, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, अब खबर तो नहीं थी भगवान कब आएंगे, लेकिन लेकिन अंदर में श्रद्धा विश्वास ऐसा परिपूर्ण है, इंतजार कर रही है। एक महीना, दो महीना, दस महीने, एक साल बीत गया, दो साल बीत गए, आप विचार करो पूरे 77 साल शबरी ने प्रतीक्षा की है, 77 ईयर्स, पूरे 77 वर्ष शबरी प्रतीक्षा करती है भगवान की, लेकिन विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो इसका अर्थ है कि एक दिन राम आएंगे, प्रतीक्षा करने में तत्पर है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की डगरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, पूजा पाठ ना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। मैं शबरी भिलनी की जाय, पूजा पाठ ना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं शबरी भिलनी की जाय, पूजा पाठ ना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की डगरिया रे, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की नगरिया।
रे रटते बिचिरे उमरियारे रघुकुल नंदन कबिया होगे रघुकुल नंदन कबिया होगे। ऐसा सब्र ऐसी प्रतीक्षा प्रथम गुरु के शब्द पर विश्वास आएंगे और प्रतिदिन आप विचार करो क्या 70 सालों में शबरी बीमार नहीं हुई होगी, क्या 70 वर्षों में कभी शबरी का सब्र छूट ना गया हो, ऐसा कुछ मन की विक्षिप्तता हो गई हो, कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देखना महाराज, कभी भोर होती है एक नई उमंग एक नई ताजगी, आज प्रभु आएंगे, आज राम जी आएंगे और खूब इंतजार करती सांझ तक, लोगों से पूछती भगवान कहीं देखे, बोले नहीं ऐसे तो नहीं आए। आप विचार करें 13 वर्ष की आयु में शबरी को ये आशीर्वाद मिला राम आएंगे और राम आए कब थे, अभी तो रघुनाथ जी का जन्म भी नहीं हुआ, जब गुरु ने कहा था राम आएंगे तब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ, 70 साल की प्रतीक्षा है। अब टोटल करो कितना हो गया, 13 और 70 90 साल की आयु है जब राम उसके घर पर आए। शबरी माँ कितने साल की है, 90 वर्ष की जब रघुनाथ जी आए, और तब राम जी की आयु कितनी थी, 15 साल की आयु में भगवान का विवाह हुआ, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष की आयु में श्री राम जी को वनवास हुआ और फिर 13वां वर्ष चल रहा है जब शबरी के यहाँ आए, तो 27 और 13 कितने हो गए, 40। भगवान 40 वर्ष के हैं और शबरी माँ 90 वर्ष की है, 70 साल पहले आशीर्वाद मिला, अभी तो राम की खबर भी नहीं आने की और गुरु ने कहा राम आएंगे और शबरी ने उसी पल से प्रतीक्षा शुरू कर दी। परमात्मा क्या खबर वो कब आ जाए, उसके जन्म की प्रतीक्षा भी मैं क्यों करूं, हर रूप में वही है, क्या खबर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, क्या खबर। आप बड़े इतिहास को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करो, दिमाग से नहीं हृदय से। राम आए नहीं, अभी जन्म भी नहीं हुआ रघुनाथ जी का अयोध्या के अंदर, और तब गुरु ने कहा था कि राम आएंगे और शबरी ना पूछ रही है कब आएंगे, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्या भक्ति क्या भाव, गुरु के सन्मुख प्रश्न ही नहीं है कब आएंगे, क्योंकि उसका मन इतना परिपूर्ण है, इतनी पवित्र है उसके मन की धारा कि वो प्रतीक्षा करने को तत्पर है। और फिर प्रभु क्या खबर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह दर्शन। गाया करो साथ में, जो कुर्सी पर बैठे हैं ज्यादा जोर के गाया करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई भी यथाशक्ति सत्कार करो, देखो जब वाणी का परमानंद लेना हो ना तो अपने आप को उस वाणी में डुबो दो, एक हो जाओ शरीर से भी मन से। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, आए अतिथि कोई भी यथाशक्ति सत्कार करो, घर पर आए अतिथि कोई
भाव कैसा है, वो तैयार है प्रतीक्षा करने को। और फिर दूसरा अर्थ समझ लेना, नाम और नामी में अंतर नहीं है, नाम ही नामी है। अब राम कह रहे हो तो माने साक्षात राम ही है, और भगवान को वश में करने का इससे सुगम साधन नहीं कि जितना अधिक हो सके नाम जपिए। हमारे ऋषि तो कहते हैं सुबह सुबह आंख खोले पहले नाम जपो, रात को सोने से पहले नाम जप के सोवो, जो भी क्रिया कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, काम करते 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 नाम जपते रहो, नाम का प्रभाव है। तुलसी कह रहे हैं, सुमर पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी ने क्या क्या नाम जपा, सुमर पवन सुत पावन नाम, सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, यहां से गाओ जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा सब गाइए राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जापर तीरे पा राम की होई, तापर तीरे पा करे सब कोई, तापर तीरे पा करे सब कोई, श्री राम जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। जैसे भी हो नाम जपते रहो। भगवान को अपने वश में करने का साधन केवल इतना है नाम जपिए। और नाम कैसे भाव हो कि नहीं तब भी जपो, भाव अपने आप जागृत होगा। कथा का प्रसाद क्या है, आपके चित्त के अंदर भगवान के प्रति भाव को ही सृजन कर रही है। भागवत प्रथम शब्द भ है, भक्ति है, उसकी सृजना कर रही है आपके चित्त के अंदर उस भाव को। श्रवण करते करते अपने आप श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, आप जब प्रवेश करते हो तो बाहर को बोर्ड नहीं लगा कि जो श्रद्धा वाले वही आएंगे, क्योंकि उसका कार्य ही आपके अंदर चित्त में श्रद्धा को जागृत करना है। शरीर मंदिर है, हृदय गर्भ स्थान है, जहां भगवान को पधराना है तो पहले क्या होगा सफाई, ताकि अंदर आकर भगवान विराजमान हो जाए। रघुनाथ मिथिला में आए, अब इसको समझना भाव को, पुष्प वाटिका, और पुष्प वाटिका के मूल में कौन है सीता। तुलसी की मानस में प्रथम मुलाकात भगवान की जानकी अम्बा से कहां हो रही है, जनक की पुष्प वाटिका में हो रही है। इससे पहले सीता जी की बात नहीं हुई है। मैं केवल इतना कहूंगा राम ब्रह्म है, राम परब्रह्म परमात्मा है, और उस परब्रह्म परमात्मा को जन्म देने के लिए भारत में एक महिला होती है कौशल्या, जो राम जी को प्रकट करती है। राम ब्रह्म है, वो परब्रह्म परमात्मा इन्हें बिठाओ अपने पास, वो परब्रह्म परमात्मा है। उस परब्रह्म को जन्म देने के लिए एक महिला कौशल्या जो राम जी को प्रकट कर रही है। पर सीता का पात्र इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उस जानकी को जन्म देने के लिए पूरे विश्व में किसी माँ में क्षमता ही नहीं थी, तो संतों ने उस भगवती सीता को धरती से प्रकट किया। इतना ऊंचा पात्र, पूरे सकल विश्व की जितनी सहनशीलता का प्ररूप बनाए तो वो सीता है। इतना कष्ट जीवन में, इतना दुख जीवन में, लेकिन कभी कभी भी जानकी ने सुख की फरियाद नहीं की राम जी के सामने, और कभी दुख की शिकायत भी नहीं की। इतनी सहज, इतनी कोमल, इतने आनंद से परिपूर्ण भगवती सीता। और तुलसी की मानस कहती है पुष्प वाटिका में आज भगवान आए, राम और लखन दोनों किस लिए आए आप जानते हो, किस लिए आए, पुष्प चुनने आए। गुरु आज्ञा के बिना नहीं आते, ये ध्यान रखना, गुरु से आज्ञा लेते। गुरुदेव आप कहें तो मैं लखन सहित पूजा के लिए पुष्प ले आऊं, जाओ। अब देखो राम, राम माने मर्यादित, इतनी मर्यादा है राम जी के जीवन में, हंसना मर्यादा में, बोलना मर्यादा में, चलना मर्यादा के अंदर, इतनी अधिक मर्यादा कि नाम ही हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण कौन है, लीला पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो भक्तों के लिए आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ रघुनाथ आते हैं लखन को साथ लेकर, पुष्प वाटिका के मुख्य द्वार पर कौन खड़ा मालिक, प्रवेश करने लगे तो राम जी ने रोका, लखन रुको जरा, बोले क्यों भैया, बोले पहले एक बार मालिक से पूछ ले। लखन ने कहा भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, हम अतिथि हैं मिथिला के, हमारा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। अब देखो राम समझा रहे नहीं लखन, वाटिका का सही माने में अधिकारी माली होता है, जब तक माली नहीं कहे तब तक हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। आप देखो एक छोटी छोटी चीज की मर्यादा निभाएंगे, राम है ना इसलिए मर्यादा निभाएंगे। कन्हैया होते तो पूछते, कन्हैया होते तो पूछते कोई माई का लाल रोक के बताए, लेकिन राम है ना तो मर्यादा नहीं लखन। वाटिका का मूल अधिकारी माली है, जब तक माली नहीं कहे हमें भीतर नहीं जाना। करीब आते माली के, हाथ जोड़ के पूछ रहे राम जी, बोले काका हमें पूजा के लिए पुष्प चाहिए, अगर आप आज्ञा दे तो जाए। माली ने देखा तो नेत्र अपने आप सज लो, समझ गए ये रघुनाथ जी हैं। हाथ जोड़ लिए माली ने, प्रभु मिथिला वासी भीड़ में आपका दर्शन कर रहे हैं, हमें एकांत में आपका दर्शन हो रहा है,
और वो सब आपका, आप भीतर जाइए, अधिकार है आपका। और तब भगवान ने प्रवेश किया, बिन माली के आज्ञा के राम भीतर नहीं गए, और भीतर गए फिर पुष्प चुन रहे हैं। ठीक उसी वक्त माँ सुनैना ने सीता जी को कहा, जानकी जाओ गौरी पूजन करके आओ, गौरी पूजन करो, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि विवाह से पहले कुंवारी लड़कियां गौरी पूजन करती हैं। तो जानकी जी अष्ट सखियों से घिरी हुई आई हैं, दो आगे दो पीछे दो दाएं दो बाएं, और फिर उनका प्रवेश होता है पुष्प वाटिका में। और तुलसी कहते हैं कि कहीं इन अष्ट सखियों में घूमते घूमते कोई एक सखी जानकी से अलग हो गई, और जो सखी अलग हुई थी वो चलते चलते कहीं राम जी का दर्शन कर गई, और जैसे उसने प्रभु को देखा, रघुनाथ जी को देखा, उसे रहा नहीं गया, वो दौड़ी कहां, गौरी मंदिर में, अभी जहां जानकी जी गौरी माँ की पूजा करने जा रही है। तो वो सखी आई और उसने आकर जानकी का हाथ पकड़ लिया, और क्या कितने अलौकिक शब्दों में वो सखी कह रही है, बाग विलोकन राजकुमार दो आए। चल जानकी, दो राजकुमार आए, बड़े प्यारे हैं। और कहते कहते उसकी स्थिति बड़ी रोमांचित हो रही है, मन बड़ा पुलकित था, पूरे बदन में रोमांच था, शिवरिंग हो रही थी सखी को, और उसकी नेत्र छल छला रहे हैं। बात कहते कहते तो सीता को पकड़ती है, आप दृश्य देखो, तो सीता को पकड़ा, बोले जानकी चल, बाग विलोकन राजकुमार दो आए, बाग विलोकन राजकुमार रूप की, हे सखियों के अतुल रूप की, शोभा वर्णन न जाए, बाग विलोकन राजकुमार दो आए, बाग विलोकन। सखी ने सीता का हाथ पकड़ रखा है, उसका बदन कांप रहा है, अखियां झरझर बरस रही हैं, और जानकी उसकी स्थिति को देख रही है, और वो कह रही है, बाग विलोकन राजकुमार दो राजकुमार आए, बड़े प्यारे हैं, मुझे खतरा कहीं चले ना जाए, तो मेरे साथ चल एक बार दर्शन कर। सीता ने कहा, वो तो ठीक है, पर तू रो क्यों रही है, ये बात कहते कहते तेरी आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं। और सखी ने क्या सुंदर बात कही, हे जानकी, किसी पात्र में क्षार भरा हुआ हो और उसमें दूध भरना हो तो पहले क्षार को निकालना पड़ता है, अन्यथा दूध फट जाएगा। बोले मेरे इन नैनन में मैं राम जी के रूप को भर लेना चाहती हूँ, मेरे इस नेत्रों में मैं रघुनाथ जी के स्वरूप को भर लेना चाहती हूँ, तो पहले नेत्रों का क्षार निकाल रही हूँ, ताकि राम जब आंखों में आए तो बस जाए। ये शब्द किसने कहे, सखी कह रही है। तो सीता सुनकर बड़ी हैरान, बोले इतने सुंदर है क्या, अब सीता ने प्रश्न किया, इतने सुंदर है क्या, वो जो सखी ने उपमा दी है बड़ी जबरदस्त दी है। बोले सुन जानकी, इन आंखन ने उनको देखा है, मेरे इन नैनन ने उनको देखा, पर आंख के जुबान नहीं जो व्यक्त कर पाए, और जुबान व्यक्त कर सकती है पर जुबान देख नहीं पाई, तो पूछ मत, तू मेरे साथ चल। बाग विलोकन राजकुमार दो आए, बाग विलोकन राजकुमार दो आए, ऐ सखी अतुल रूप की, ऐ सखी उनके अतुल रूप की, शोभा वर्ण न जाए, बाग विलोकन राजकुमार दो आए।
प्रथम लक्षण सखी कह रही है, मैं इन आंखन में रघुनाथ जी के स्वरूप को भर लेना चाहती हूँ, तो आंखों का क्षार निकाल रही हूँ। ये निकलेगा, अगर 7 दिनों में एक दिन भी आंख नहीं भरी तो समझना भागवत भीतर नहीं जा रही। प्रथम शब्द भाव, भाव माने इमोशंस, इमोशंस माने आंख बरसेगी निश्चित। जब जागृति भीतर आएगी तो आंख बरसेगी। और सखी गुरु का रूप है, हाथ पकड़ा और सीता को ले गए। अब देखो दृश्य कैसा है, बड़ा अनुपम, बड़ा दिव्य। तो जब जानकी अम्बा आ रही है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनके चरणों की नुपुर बज रही है, छम 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 पैजनियां बज रही है। और इसको किसने सुना? लखन ने। किसने सुना? लखन ने। और जैसे ही लखन ने देखा, समझ गए कि माँ आ रही है दर्शन करने के लिए। लखन ने आसपास देखा तो मोर नाच के गया, तो उसकी म्यूर पीछे गिरी हुई थी, मोर पंख खुली, वो उठाई और रघुनाथ जी के मुकुट में सुशोभित कर दी। राम ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ अचानक, तुम ये क्यों करने लगे हो? तो लखन ने कहा, प्रभु आप भगवान हैं, मैं पुजारी हूं। और पुजारी का धर्म बनता है कि जब कोई भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो सबसे पहले भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। इसलिए मैं जानता हूं माँ आ रही है आपका दर्शन करने के लिए, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपका श्रृंगार करूं।
और लखनलाल रघुनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सखी लेकर आई, हाथ पकड़ा हुआ था सखी ने सीता का, लेकिन जैसे राम जी के सन्मुख आई तो सखी बीच में से हट गई, बोले सीता दर्शन करो, क्योंकि सखी गुरु का रूप है। गुरु कौन है? द्वार। गुरु कौन है? द्वार, दीवार नहीं है। जैसे भगवान सामने आते हैं तो गुरु बीच में से हट जाता है, सखी बीच में से हटी है तो दर्शन कर। और तब सीता जी ने रघुनाथ जी को पहली बार देखा, यहाँ प्रगट रूप में पहली बार देखा, और आज पहली बार ही राम जी ने भी जानकी का दर्शन किया है। और फिर उसके बाद दर्शन करके नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किए? क्योंकि अब सीता की स्थिति कैसी है कि अंतर मन में रघुनाथ जी का स्वरूप है। और जब वापस आई और गौरी पूजन करने के लिए, तो अब की बार जो माँ ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि भवानी जानती है अब सीता सीता नहीं है, अब सीता भी राममयी होकर आई, तो फिर आशीर्वाद क्या दिया? मन जाहि राजीव मिलि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावरो। हे जानकी, तेरे मन मंदिर में जो सांवरा सलोना रघुनाथ बसा है, मैं आशीर्वाद देती हूँ यही तुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सियावर राम चंद्र भगवान की। भावार्थ केवल इतना है, अंतर में प्यास, अंतर में उसको पाने की चाहत, उसको पाने की चाहत। कथा में जब आओ महाराज, एक दो चीजें समझ लो। जो भोजन भोजन में स्वाद होता है, जो भोजन आप करते हो उसमें स्वाद होता है, बोलो हाँ के ना। भोजन में स्वाद होता है? नहीं होता। स्वाद आपकी भूख में होता है, स्वाद आपकी भूख में। अगर भूख नहीं है तो फिर भोजन बेशक 56 भोग सामने रख दो, आप रजे हुए हैं, उसके बाद आपकी मनपसंद वस्तु भी आपके सामने रख दी जाए, आप नहीं पा पाएंगे, कारण भूख नहीं है। अब मान लो 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, एक अन्न का दाना भीतर नहीं गया, बड़ी भूख लग रही, बड़ी तड़फ पैदा हो रही है, और फिर उसके अंदर उसके बाद अचानक सूखी रोटी मिलेगी ना, उसमें भी स्वाद आता है। पानी में स्वाद होता है? नहीं होता। आपकी प्यास, प्यास में स्वाद होता है। अब कल्पना करो 2 दिन 3 दिन बीत जाए, किसी मरुस्थल में आप हो, बड़ी तपश, बड़ी गर्मी, प्राण निकले जा रहे हैं, एक जल की बूंद आपके भीतर नहीं गई, और 3 दिन बाद तो ऐसा लग रहा है आपके प्राण निकल जाएंगे, और उस वक्त छप्पड़ का पानी मिलेगा तो उसमें भी अमृत जैसा सुख लगता है। तब खबर लगती है कि स्वाद क्या है पानी का, स्वाद लगता, खबर लगती है। जब भूख लगेगी तब स्वाद आता है, तब स्वाद आता है। जैसे मान लो आप किसी जंगल में भटक जाए, अचानक अमावस्या की रात हो, घना वन, अकेले, आंधियां चल रही हो, तूफान आ रहे हो, बादलों की गड़गड़ाहट हृदय को कंपित करने वाली हो, मूसलाधार बरसात होने वाली हो, और आधी रात का वक्त कुछ दिखाई ना दे रहा हो, घना जंगल, अकेले, और अचानक सामने से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे जाए, तो फिर जो हनुमान चालीसा निकलता है ना, बड़े अंदर से निकलता है, यूं निकले कि नहीं निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तब निकले, जय कपीस तेहु लोक यो जागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीतावन बसिया,
सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के राज सवारे, सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिर नाए, रघुपत की बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित रही सा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहे भविष्यन माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया भविष्यन को? तुमरो मंत्र भविष्यन माना लंकेश्वर वे सब जग जाना, जिसका श्रवण करके भविष्यन लंका के राजा हो गए, वो कौन सा मंत्र है? कौन सा? आज घर जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से समझो, फिर से अनुभव करो, खोजो वो मंत्र क्या है जो हनुमान जी ने भविष्यन को दिया, अनुभूति करो। कहने का अर्थ है कि जब तक भूख नहीं होगी भोजन का स्वाद नहीं आता, प्यास नहीं होगी तो पानी का स्वाद नहीं है। इसी प्रकार कथा में बहुत स्वाद है, कथा में बहुत आनंद आता है, लेकिन शर्त है कथा की भूख लेके आओ, कथा की प्यास लेकर आओ। अगर कथा की प्यास नहीं है तो फिर आनंद नहीं आएगा, फिर उसका स्वाद नहीं आएगा। इसलिए जब जब यहाँ पर आकर बैठो पंडाल में, सबसे पहले एंटर करते ही मोबाइल को ऑफ करो या साइलेंट मोड पे लगाओ, और फिर अंतर हृदय से परिपूर्ण होकर अतृप्त कथा के लिए अतृप्त होकर आओ, प्यास लेकर आओ, अभिपसा जागृत करके आओ, और मुझे आपको पाना है, मुझे आपकी वाणी का रसामृत प्राप्त करना है, मुझे इसका आनंद लेना है, मुझे इसका स्वाद लेना है। और कैसा परम सुख, जेठ का महीना, इतनी जलन, इतना टेम्परेचर, नंगे पैर आप चल रहे हैं, भूमि तप रही है, तपश इतनी ज्यादा है, पैर में छाले हो रहे हैं, कहीं ठोर नहीं मिल रही, और अचानक उस गर्मी के अंदर, उस स्थिति के अंदर, उस विक्षिप्तता के अंदर एक तरवर की छाया में जाकर खड़े हो जाते हैं, एक वट वृक्ष की छाया में आप खड़े हो जाते हैं, तो कैसा सुख मिलता है? वही सुख की प्राप्ति यहाँ पर है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, मन को विराहे में जब से शरण तेरी आया। अरे ऐसे नहीं कथा करने ना, थोड़ा हाथ उठा के गाओ ना दिल से। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए करवर की छाया, सूरज की गर्मी से जल
इस अहोभाव की स्थिति में आओ कि न जाने आज क्या मिलेगा और इस परम फल का फल क्या है। अब उसे सुनो पहले, गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए। हे प्रभु, हमारे चित्त के अंदर गोपी जैसा प्रेम जागृत हो जाए, ये भागवत के फल का भी फल है। आप इसलिए बैठे हो यहाँ पर। गोपी को पहले इसको समझ लो। गो माने इंद्रिय, पी माने पीव, प्रथम अर्थ जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण प्रेम का रस ले रही है, जिसकी आंख केवल कृष्ण को देख रहे हैं, जिसके कान केवल और केवल कृष्ण की वाणी का रसामृत कर रहे हैं, जिसकी रसना केवल कृष्ण के नाम का गुणगान कर रही है, जिसके हाथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और जिसके पग चले हैं तो भगवान के धाम की ओर चले हैं। यहां कथा में बैठकर आप केवल रसना का भजन नहीं कर रहे, कथा में बैठकर आपकी हर इंद्रिय भजन कर रही है। सोचो कैसे, मैं जो कह रहा हूं वो कहां तक जा रहा है? आपके कान में। और जब भगवान की वाणी आपके कान में जा रही है तो वो आपके कान का भजन हो रहा है, वो आपके कान का भजन है। फिर जिसका नाम सुनोगे उसका रूप भी आएगा आंखों के सामने, आता है कि नहीं मन में? अब राम कहोगे तो फिर श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय धारु, कितना सुंदर रूप सामने। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, क्या अनुपम शोभा, कमल के समान जिनके नेत्र। नवकंज लोचन कंज मुख, जिनका मुख कंज माने कमल के समान, कर कंज कर माने हाथ कमल के समान, पद कंजारो जिनके श्री चरण भी कमल के समान अतिशय कोमल है। आप विचार करो कितने कोमल चरण है श्री रघुनाथ जी के, श्री कृष्ण के चरण कितने कोमल है। आप विचार करें, भगवती लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही है, ये दृश्य आप सबने देखा है। क्षीर सागर में शेष की शैया पर नारायण लेटे हैं और भगवती लक्ष्मी बड़े प्यार से उन चरणों को दबाती है। कमल कितना कोमल होता है, सबने इसको फील किया होगा, कमल कितना कोमल है। उस कोमल कमल पर कौन बैठती है? भगवती लक्ष्मी। तो सोचो इसका अर्थ, ऊपर बैठने वाली लक्ष्मी कमल से ज्यादा कोमल ही होगी ना। अगर कमल कोमल है तो कमल पर बैठने वाली लक्ष्मी कितनी कोमल हुई, उससे ज्यादा कोमल। और उस लक्ष्मी के हाथ कितने कोमल, और उन्हीं कोमल हाथों से जब भगवती लक्ष्मी श्रीमन नारायण के चरण दबा रही है तो कई बार रो पड़ती है। किस विचार से? हे प्रभु, कहीं मेरे चरण हाथों का स्पर्श पाते आपके चरणों को आघात तो नहीं होता, क्योंकि आपके चरण अतिशय कोमल है। इतने कोमल हाथों का स्पर्श पाकर भी, दबाकर भी भगवती लक्ष्मी के नेत्र भराते हैं कि प्रभु आपके चरणों को आघात तो नहीं होता मेरे हाथों का स्पर्श पाने से। तो विचार करो, कमल इतना कोमल, उस पर बैठी लक्ष्मी उससे कोमल, उनके हाथ उससे कोमल, और उन कोमल हाथों से भगवान के चरण दबाते वो रो रही है, और ये भाव लेकर तो विचार करो श्री ठाकुर जी के चरण कितने कोमल है महाराज, कितने कोमल चरण है। और इन्हीं कोमल चरणों से भक्तों के लिए वनवास की यात्रा पर भी जाते हैं, इन्हीं इन्हीं कोमल चरणों से वो बिद्रानी के केले के छिलक खाने के लिए श्री कृष्ण दौड़े नंगे पग जाते हैं, सुदामा को मिलने नंगे पग दौड़ जाते हैं भक्तों के लिए, अतिशय कोमल, इतने आनंददायक। वो कोमलता चित्त में श्री ठाकुर जी के चरण का प्रादुर्भाव हो, वो प्रादुर्भाव चित्त के अंदर हो, इस नित्य प्रति कथा का श्रवण करो। दो चीजें अतिशय महत्वपूर्ण है, भगवान का मुखारविंद और भगवान के चरणारविंद। ये दो चीजों की महिमा बहुत गाई जाती है। भगवान का मुख कितना प्यारा है, सिर मोर मुकुट कानल कुंडल दो चंचल नैन कटारे, मुख कमल पे भवरे बने केश लहराए कारे कारे, हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ।
प्रगट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे आधार मान मेरे, आधार मान मेरे राधा राधा रमन मेरे, कभी भूलो ना कभी भूलो ना कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटू तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन। साधन बैठकर आप इस यात्रा में सम्मिलित होते कथा श्रवण करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान मिलेंगे, मिलना नहीं मिलना इनका डिपार्टमेंट, वो मेरा नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं। कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, उनका आना ना आना महाराज उनकी इच्छा है, लेकिन इतना निश्चित है सात दिन बैठकर आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। और वाणी कहते जिन प्रेम की होते नहीं प्रभु पाए, बिन प्रीत के परमात्मा मिलता नहीं है। प्रभु को प्रेम करने का साधन कथा अमृत है, उनको प्रेम करने का साधन। इसलिए कंत ऋषियों ने, मनीषियों ने, कवियों ने खूब गाया भगवान के चरित्र को, खूब गाया। क्यों गुणगुनाया? कारण एक ही है कि यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित, इसको श्रवण करने मात्र से, इनको गुणगुनाने से हरि आपके चित्त में आकर अवस्थित हो जाते हैं। कोई और साधन नहीं, कोई भी और साधन नहीं है। बड़ा बड़ा योग तप साधना समाधि विफल हो जाती है, और भक्ति का जब प्रादुर्भाव आपके चित्त में होता है, मैंने पहले कहा भक्ति के आपके चित्त में आते ही सबसे पहले आप विनम्र हो जाते हैं, और जैसे विनम्रता आती है भगवान बरसता है, फिर भगवान प्रकट नहीं होता महाराज, फिर तो परमात्मा बरसता है। किसी रूप में बरस जाए क्या फर्क पड़ता है, किसी रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए प्रथम आज प्रथम दिवस है भागवत की महिमा का, भागवत के महात्म्य का, और भागवत का महात्म्य अलग अलग ग्रंथों में गाया गया, अलग अलग पुराणों में उसकी बात की गई। यहाँ पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य है और स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्म्य है। पद्म पुराण इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी कारण से जीव मुक्त नहीं हो पाया, मुक्त नहीं हो पाया। अच्छा पहले यह भी समझ लो मुक्ति का अर्थ क्या है। तीन चीजें हैं, तन शरीर योर फिजिकल फॉर्म स्थूल जो दिख रहा है, मन जो इनविजिबल है, और एक आत्मा जो सदा भगवान का स्वरूप है, निर्लेप है। मुक्ति किसे चाहिए? संत कुमार कह रहे यस्य श्रवण मात्रेन मुक्ति कर्तले स्थितः, इसका श्रवण करने से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति किसको चाहिए, शरीर मन या फिर आत्मा? क्या शरीर को मुक्ति चाहिए? बोलो हाँ कि ना। क्या शरीर को मुक्ति चाहिए? कुछ तो बोल दो हाँ ना। नहीं चाहिए, कारण अपने आप मुक्त हो गए, प्राण गए, चेतन तत्व गया बाहर, शरीर मुक्त हो गया। क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए? आत्मा भी निर्लेप है, आत्मा भगवान। कई कई मतांतर तो ये भी स्वीकार करते कि आत्मा ही परमात्मा, कई संप्रदायों में इस बात को भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आत्मा नित्य निर्लेप है, प्रभु का स्वरूप है। तो फिर कौन बचता है? मन, मन अटका हुआ कौन है? मन भटक कौन रहा है? मन बैठे यहां हो, ऑफिस का चक्कर लगाने कौन गया? मन बैठे यहां हो और एक सेकंड में मन अमेरिका घूम के आ जाएगा, कनाडा घूम के आ जाएगा, ये कौन घूमने गया? मन है ना, ये मन ही तो अटका रहा है, ये मनी राम बहुत खराब है महाराज। तो मुक्ति किसे चाहिए? जो अटक रहा है उसी को मुक्त करना है, जो भटक रहा है मुक्ति तो उसको चाहिए।
ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं। सबके मन की स्थिति यही है, समझना। संसार में हर चीज बिखरती है, हर चीज बिखरती है। इसके कई बार दृष्टांत मैंने दिए। गर्म पानी का गिलास लो, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे वो ठंडा हो जाता है कि नहीं। होता है ठंडा, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बिखर गए। रेत पर जाओ, उसके घरौंदे बनाओ, थोड़ी देर बाद देखो अपने आप रेत बिखर जाती है। आप बिखरते नहीं, बनाते हैं आप, बिखरती अपने आप है हर चीज, बिखरती। इस प्रकार मन की भी आदत है बिखरने। क्या मैं, क्या आप, सबका सबका मन बिखरता है। और बिखरी चीज अपने आप व्यवस्थित नहीं होती, ये भी समझ लेना। गर्म पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसी टेम्परेचर पर क्या ठंडा हुआ पानी अपने आप गर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उसको गर्म करने के लिए आपको बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो गर्म हो पाएगा। जबकि गर्म पानी अपने आप ठंडा हो गया, पर ठंडा पानी अपने आप नहीं गर्म हो सकता, उसको आपको एक्सटर्नल एजेंसी का प्रयोग करना है। रेत का घरौंदा आपने बनाया, रेत बिखर गई, क्या बिखरी रेत अपने आप घरौंदा बनेगी? नहीं बन सकती, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार मन की आदत बिखरना है, वो बिखरता है, और बिखरा मन भी अपने आप व्यवस्थित नहीं होता, इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए इसको व्यवस्थित कौन करता है? कोई जीवन में सदगुरु आता है, वो नाम रूपी धन की प्राप्ति करवाता है, और मन को नाम के साथ जोड़कर मन को ही व्यवस्थित करता है। और जब मन व्यवस्थित होता है, आपने कभी सोचा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? और भी बहुत लोग थे चुनने के लिए, भगवान लीला के लिए किसी और को भी चुन सकते थे, युधिष्ठिर थे, आखिर धर्मराज है। अगर भगवान लीला के लिए किसी को चुनना तो धर्मराज को चुने, अर्जुन क्यों? कभी सोचो अर्जुन को ही क्यों? भीम है, अतिशय बलशाली है, उनको चुना जा सकता है, नहीं चुना। भीष्म पितामह भी थे, बहुत सारे ऐसे पात्र द्रोणाचार्य जिनसे पांडव शिक्षा ले रहे हैं, एकलव्य, कितने कितने वीर योद्धा, परम योद्धा, पर अर्जुन क्यों? कारण है क्योंकि अर्जुन की निगाह फोकस है। द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं, सामने देखो वृक्ष पर पक्षी, उसकी आंख को भेदना है। युधिष्ठिर क्या दिखाई दे रहा है? बोले पूरा आकाश। गुरु ने कहा तू रहने दे, छोड़। भीम तू बता तुझे क्या दिखता है? बोले बहुत विशाल वृक्ष है। बोले तू भी आ जाए तरफ। नकुल सहदेव तू बता। बोले एक वृक्ष, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है। नहीं तू पीछे, नहीं। अर्जुन तू बता। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, केवल आंख, बस इसी को चुन दिया। क्योंकि जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, फोकस है, कृष्ण उसे चुन लेता है अपनी पूरी लीला का, अपनी पूरी लीला। इसलिए जब यहां बैठो, फोकस, गुरु क्या करता है? नाम देकर आपकी चित्त वृत्ति को फोकस कर रहा है। जब आप यहां 3 घंटे आकर बैठो, पहला दिन है मन बिखरता है, सहज बिखरता है, सबका बिखरता है। जैसे जैसे आप कथा की यात्रा में जाओगे, मैंने पहले कहा ये कथा नहीं यात्रा है, यह 7 दिन की 7 दिवसीय बड़ी मंगलमय यात्रा है, सनातन यात्रा है। और हमारे तो संतजन महाराज कहते हैं भागवत में खतरा भी है, यहाँ खतरा भी बहुत है, अगर डर लगे तो कल से नहीं आना, जिनको डर नहीं लगता वही आके बैठे हैं, खतरा बहुत है यहाँ। बोले खतरा कैसा? बोले अगर एक कोयला कथा सुने, ध्यान समझ, अगर एक कोयला कथा सुने तो 7वें दिन कोयला नहीं रहता, हीरा बन जाता, तो खतरा तो हो गया ना, जो आया था वो तो नहीं रहा। अगर एक बीज कथा सुने, 7 दिन कथा सुने तो 7वें दिन बीज नहीं रहेगा, वो विराट वृक्ष बन जाएगा, खतरा तो है, जो आया था वो नहीं है।
और यहां तक रसिक कहते हैं अगर एक साधारण नर एक साधारण जीव आकर बैठ जाए और वो नर श्रद्धायुक्त होकर या जैसे तैसे कथा का श्रवण करे तो 7 दिन बाद नर नर नहीं रहता, वो साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। आप विचार करो, खतरा तो है क्योंकि जो तुम हो कथा तुम्हें वो नहीं रहने देती। पहली बात समझ लो। देखो मेरा धर्म मानते आपको सावधान करना, 7 दिन बाद कहीं को गड़बड़ हो गई, हम तो वो रहे ही नहीं, और घर वाले कहीं आके मुझे कहें आपने क्या बना दिया। नहीं तो ये कथा का फल है, कथा का परम फल है। और पद्म पुराण में धुंधकारी का प्रकरण आएगा, आप उसको सुनना। प्रेत, एक प्रेत ने भी कथा सुनी, बड़े वैज्ञानिक और बड़े आध्यात्मिक स्तर पर कथा का श्रवण करना, बड़े आध्यात्मिक स्तर पर बड़े गहराई से, क्योंकि कथा आपके शरीर का विषय नहीं, ये आपकी अंतरात्मा का विषय। पहली बात ये नोट कर लो, आपको बदलती, आपके चित्तवृत्ति को परिवर्तित कर देती है, आपके भीतर तक आपको बदल देगी। परिवर्तन कबीर कहते हैं, गुरु कृपाल कृपा जब की कमल विकासा, गुरु कृपाल कृपा जब की कमल विकासा, भागा ब्रह्म दसो दिशि सूझया और परम ज्योति परगासा। जब गुरु कृपा करता है तो एक क्षण में परिवर्तन भागवत क्या करेगी। प्रथम इसकी महिमा है, आपको निश्चोक कर रही है, आपको अंतर चित्त में शांति दे रही है, आपको आनंद से परिपूर्ण कर रही है, आपके भीतर चलने वाले अनंत अनंत विक्षिप्तताएं अनंत अनंत ताप को ध्वस्त कर देती है, आपके भीतर की रूढ़िवादी परंपराओं को खंड खंड करके आपकी चित्तवृत्ति को परिपूर्ण प्रेम से आनंद से हर्षोल्लास से परिपूर्ण करती है। ये इसकी महिमा है। इसका आप 7 दिन बैठकर आप अनुभव करेंगे। बस हम क्यों इकट्ठे होंगे 7 दिन, कारण है ये अनुभूति का विषय। परमात्मा आपके तर्क का विषय नहीं होता। पहली बात, भगवान आपके अंतर आत्मा का अनुभव। यहाँ बैठकर अनुभूति के लिए हम बैठे, बड़े प्रेम से उस वाणी को समझें, और फिर जो रसिक जन कह रहे गोपी माने जो अपनी हर इंद्रिया से कृष्ण प्रेम का रस ले रही है। यहाँ कान कथा सुन रहे हैं, कान का भजन हो रहा है, जिस नाम को सुन रहे हैं वो आंखों के सामने आ रहा है, तो फिर वो आंख का भजन है। और जब मैं गा रहा हूं तो आप मेरे साथ गा रहे हैं, तो आपकी रसना का भजन भी हो रहा है, और फिर साथ में सेवा भी तो कर रहे हैं। अपने हाथों से ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करना, अपने हाथों से श्री ठाकुर जी के लिए माला अर्पण करना, भोग सामग्री को जुटाना, वो आपके हाथ का भजन हो रहा है। और यहाँ कैसे आए हो, जो आपके पग केवल भगवान के लिए जा रहे हैं, प्रभु की कथा के लिए जा रहे हैं, तो वो आपके चरणों का भजन हो रहा है, वो आपके पग का भजन हो रहा है, वो आपके, इसलिए यहां पर आपकी समस्त इंद्रिया भजन कर रही है, केवल रसना नहीं, समस्त इंद्रिया भजन कर रही है। इसलिए जैसे तैसे हो तो स्मरण करते रहो। मुरली धरा मन मोहिना, हे नंद नंदना हे राधव माधवा, मुरली धरा मन मोहिना, मुरली धरा मन मोहिना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। Oh, hey, Nanda, Nandana, hey, Radha, Madhava.
मलवाए ओ मुरलीधरा मुरलीधरा मन मोहिना
हे नंद नंदना राधा माधवा हे नंद नंदना राधा माधव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे हर इंद्रिय और कृष्ण कथा का अनुभव गोपी बनकर ही किया जा सकता है। गोपी कौन? जो कृष्ण के प्रति जागृत है, जिसको आंख बंद करके समाधि नहीं लगानी, जो खुली आंख से समाधि लगा सकती है वो गोपी का है। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन में गई फिर मैं भी हूं। जो कहती है कि जिधर देखा उधर पाई झलक घन श्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में इसी दिलवर हमारे की, जिसकी निगाह केवल और केवल कृष्ण को देख रही है, जो अनंत तक देखती है लता पता में आकाश में सूर्य की रश्मियों में चंद्रमा की शीतलता में उन्हें केवल कृष्ण दिखता है। माँ कुंती स्तुति वक्त करते वक्त कहती है कि कृष्ण सर्व लक्ष्यानाम अंतिर बहिर्वस्थितम, मैं जब बाहर देखती हूँ ना दूर केवल आप दिखते हैं, इन लता पता में तू ही तू है, इस आकाश की अनंतता में केवल तू है, इस सूर्य की रश्मियों में केवल तू दिखता है, इस प्रकाश में भी जो प्रकाशित हो रहा है वो तू ही तो है, और जब मैं नेत्र बंद करके अपने भीतर कहीं जाती हूँ बड़ी गहराई के अंदर तो तेरे सिवा कुछ नहीं है, केवल तू नजर। लेकिन वो नजर मिलती कब है? जब मुर्शिदे काबिल कोई सदगुरु जीवन में आता है तभी। वाणी में नामदेव जी कहते सब गोविंद है, सब गोविंद है और गोविंद बिन ना कोई, दिखता है गुरु कृपा करते तो दिखते मारा। तो गोपिकाओं को जिनका सर्वस्व श्री कृष्ण, श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो तन आठो याम उधो हमें श्याम ही सुखा। गोपिकाओं ने घर बार नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी ने भक्ति की बात कही, वह चार संतों के मत है, अभी हम केवल नारद जी के मत को ले रहे हैं कि भक्ति क्या है। ये सब प्रक्रम जो आप करते हैं यज्ञ करना तप करना ये सब भक्ति के प्रारूप है, पर नारद बड़ा अनुपम बोलते दो चरणों में बात कर रहे हैं। प्रथम चरण अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना, मन से शब्दों से कर्म से सब कुछ कृष्ण का हो जाए। मन भी कहाँ हो? श्री कृष्ण में। जैसे एक माँ जब बहुत छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, ये आप सबका अनुभव है, जब माँ अपने बहुत छोटे बच्चे का ध्यान रखती है जो घुटनों के बल चल रहा है अभी, जिसे चलना भी नहीं आता, अभी बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ भी काम कर रही है पर स्मृति कहाँ है? अपने बच्चे के अंदर है। बच्चा सीढ़ियां ना चला जाए, वो काम भी कर रही है, सब्जी भी बना रही है। आपने बहुत बार ऐसा किया, आप सब्जी बना रहे हो लेकिन ध्यान कहाँ है? अपने बच्चे के अंदर। वो कहीं बाहर ना निकल जाए, आप घर की झाड़ू पहार कर रहे हो पर स्मृति कहाँ है? अपने बच्चे में। लेकिन कभी आपका काम नहीं बिगड़ा, आपका काम भी अच्छी तरह होता रहा और बच्चे की देखरेख भी आप करते रहे, ये हर माँ का अनुभव है। बिल्कुल उसी स्थिति में वो कह रहे हैं तन संसार की सेवा करता रहे, तन से आप इस आउटर वर्ल्ड की ये मेटीरियल वर्ल्ड की आप सेवा कर रहे हैं तन से, लेकिन मन कहाँ है? श्री कृष्ण में है। मन कहाँ है? श्री कृष्ण में है। चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में है। गोपिकाएं या नारद कहना चाह रहे हैं प्रथम चरण में अपना मन श्री कृष्ण में। आप जो कह रहे हो वो शब्द भी कृष्ण के लिए हैं, और जो आप क्रिया कर रहे हो कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो? वो भी श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अब गोपिकाएं अपने घर को बड़ा सुंदर सजा रही हैं, क्यों सजा रही हैं? क्या खबर कन्हैया कब आ जाए, नंदनंदन कब आ जाए। वो दधि मंथन कर रही है पर किसके लिए माखन निकाल रही है? वो भी श्री कृष्ण के लिए कि नंदनंदन को सेवन करवाए निवेदित करें उनकी हर क्रिया। भोर भई से सांझ डरे तक सेवा को ही नेम हमारो,
नियम ऐसा है, जैसे हमारी संस्कृति है ना, हम जो भोजन बनाते हैं सबसे पहले किसे देते हैं, ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, पर वो आप स्वीकार करें। इसे बोलते हैं अमनीय, इसे क्या बोलते हैं, अमनीय। जो अभी आपने बनाया आपने नहीं खाया, जो पहले किसको जाएगा, श्री ठाकुर जी को जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अमनीय। अमनीय का एक अर्थ और भी है, अमनीय माने जिसको आपके मन ने भी नहीं छुआ। अमन ना छूने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप भोजन बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो उसकी महक तो आती है ना, अब सब्जी बना रहे तो सुगंध तो आती है ना, तो आपने क्या किया, बनाते बनाते वो स्वाद है, आपने खाया नहीं, आपने उसको चखा नहीं है, केवल उसकी महक का स्पर्श आपके मन ने किया। तो हमारी संस्कृति कहती ऐसा भोजन भी भगवान के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इसको आपके मन ने झूठा किया है, इसको आपके मन ने झूठा कर दिया, तो ये भगवान के काबिल नहीं रहा। लेकिन हम कलिकाल के जीव इतना नहीं होता, जैसे तैसे है, बनाओ और भगवान को अर्पण करो। अब जगन्नाथ जी जाओ ना, तो जगन्नाथ जी को सुबह सुबह जब ठाकुर जी को भोग लगता है, खिचड़े का लगता है आज भी, उसके बाद जब भगवान के लिए भंडारा बनाया जाता है, तो उसको जो बनाने वाले ब्राह्मण हैं, भोजन बनाने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। आज भी आप भरपेट भोजन करिए पहले, फिर ठाकुर जी को भोग बनाना। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी का भोग बनाते बनाते आपके मन में उसको लेने की कल्पना भी पैदा हो जाए, तो पहले आप भरपेट खा लो। जब आप भरपेट हो जाओगे फिर आप उसका स्पर्श नहीं कर पाओगे। इस स्थिति के अंदर बनाया जाता है अमनीय। आपने भोजन बनाया, दो रोटी बनाई, भगवान को अर्पण किया, पर वहां भी हमारे मन की बेईमानी होती है। हम ठाकुर जी की दो रोटियां निवेदित करते हैं, पर अपनी भी तो कम बनाते हो, क्यों जान दे वापस आएगी। आपने ठाकुर जी को सब्जी माखन मिश्री सब भेंट किया, और फिर कहते क्या हो, अरे कोई बात नहीं, कम बनाना, वो वाली है ना ठाकुर जी वाली, मुझे दे देना। इसका अर्थ आपको भरोसा है वो वापस आएगी। जब तक मन का विश्वास नहीं कि प्रभु स्वीकार करेंगे, तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे, और कैसे स्वीकार करेंगे। निष्ठा विश्वास कि आज जो जा रहा है वो प्रभु स्वीकार करेंगे। भोरे भय से सांझ डरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र उड़ावे भोग लगावे सो लागत प्यारो, कब ते निहारते आपकी ओर, कब ते निहारते आपकी ओर, हे आप हमारी ओर निहारो, राधा कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो, राधा कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। बस भागवत ही करती है महाराज, वो आपके इस भाव को दृढ़ करती है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये घर मेरा नहीं। आज पहला दिन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, एक तो आपके बच्चे बार बार बीच में आते हैं, और कईयों के बच्चे के पापा भी बीच में आते हैं, तो मेरी प्रार्थना है वो केवल आज के लिए था थोड़ा बहुत, कल से ऐसी कोशिश मत करना, वरना यहाँ 25,000 वोल्ट का करंट भी है, तो थोड़ा सावधान। कथा कथा की अवज्ञा नहीं करनी, कथा का अपना एक अनुशासन होता है, कथा का अपना एक नियम है, बच्चों को लेकर आओ जरूर लाना चाहिए, जैसे ये बैठा है ना शुरू से कथा में ऐसे बिठाओ, नहीं संभलते मेरे पास दे दो सारे, मैं अपने आप, मैं बच्चों के माँ बाप उनके दादा तो को संभाल लेता हूं, उनको भी संभाल लूंगा, तो दो। लेकिन कथा श्रवण के वक्त में सबसे पहले कथा किस लिए, कृष्ण भागवत में सन्यास की बड़ी सुंदर बात करते हैं, बोले सन्यास क्या है, सन्यास आपके तन से नहीं होता, पहली बात समझ लो, आपने केवल वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में कमंडल लिया, आप नंगे पग चल रहे हैं, ये सन्यास की पूर्ण परिभाषा नहीं है, अधूरी परिभाषा है, क्योंकि सन्यास आपके तन से नहीं होता, सन्यास आपके मन से होता है। मन सन्यासी हो गया पर क्या फर्क पड़ता है महाराज, घर में हो जंगल में हो कि बीच चौराहे पर जाकर बैठोगे,
अंतर सन्यासी हो गया मन, मीना गाती है ना, रंग में तेरे रंग गई गिरधर छूट गया जग सारा। छोड़ने से नहीं भक्ति पहुंच पाता महाराज, छूट जाए फिर कुछ बात बने, और छूट जाए फिर क्या फर्क पड़ता है। आप भी चौराहे पर बैठकर भजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर भजन कर रहे हो, समझ ना। एक होता आस्तिक, होता भक्त। हर रोज मंदिर गुरुद्वारे जाने वाला नियमित रूप से आस्तिक हो सकता है, भक्त हो कि ना हो ये आवश्यक है। हर रोज कथा सुनने वाला, हर रोज कथा को कहने वाला आस्तिक हो सकता है, भक्त है कि नहीं है ये आवश्यक नहीं। इस पॉइंट को बड़ी गहराई से चिंतन करना। आप भागवत कह रहे हो, आप भागवत सुन रहे हो, या कि आप भागवत हो रहे हो, फर्क है। आप भागवत कह रहे हो, आप भागवत सुन रहे हो, कि तुम खुद भागवत हो रहे हो, क्योंकि ये कथा आपको भागवत बनाती है। रावण साधु का रूप धारण करके जगत जननी जगदम्बिका जानकी अम्बा के सामने जाकर खड़ा हो गया, छल से ले आया, पर एक विडंबना रह गई। साधु बना पर रावण साधु हो नहीं पाया। बस बनने में और होने में अंतर है। हमने राम के वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में धनुष बाण उठा लिया, तरकश बांध लिया, तो तुम राम नहीं हो गए हो। तुमने केवल राम का बाहरी रूप लिया है, राम नहीं हो। तुमने वेणु हाथ में उठा ली, मयूर पीछे लगा ली, मुकुट धारण करके पीताम्बरी ओढ़ ली, तो तुम कृष्ण नहीं हुए हो। भी राम कृष्ण होना क्रांति है, तेरे भीतर की घटना है। राम का रूप लिया है आपने, कृष्ण का केवल रूप लिया है, स्वरूप नहीं लिया। राम का स्वरूप है धर्म, राम का स्वरूप है मर्यादा। अगर जीवन अनुशासित नहीं है तो मर्यादित नहीं हो, तुम धर्म में नहीं हो तो तुम राम नहीं हो। मयूर पीछे वेणु कृष्ण का रूप है, स्वरूप नहीं है। कृष्ण का स्वरूप है आनंद। अगर आप आनंद में नहीं है, छोटी छोटी बात भी आपको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत विक्षेपित मन है, तब आप कृष्ण नहीं हो, तब आप कृष्ण। और कथा तो हमारा आपको कृष्ण ही बना रही है, पहली बात समझ लेना। ये कथा आपको कृष्ण को मिलाने की कथा नहीं है, ये कथा आपको कृष्ण बनाने की कथा। ये आपके भीतर छिपे राम को जागृत करने की कथा है, समझ लेना। दोनों जागृत होते हैं, राम भी रावण भी, तेरे भीतर छिपा। कथा सुनते सुनते नींद आए तो समझना रावण जागृत हो रहा है, सावधान हो जाना, तो आपका रावण जागृत हो रहा है। कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन बड़ा, मैं देख रहा हूं कई लोग बिल्कुल जैसे बैठे थे वैसे बैठे थे, सुन रहे हैं। इसका अर्थ है उनका राम जागृत हो रहा है। कईयों के अंदर रावण भी जागृत होता है, ऐसा नहीं है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। राम भी तेरे भीतर, रावण भी तेरे भीतर ही है। अब किसको तुम जागृत कर रहे हो? तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, समझना तुम्हारा रावण जाग गया। और तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर विकसित होनी शुरू हो गई है, तो समझना तुम्हारे भीतर बैठे राम तत्व जागृत हो गया। किसकी जागृति तुम कर रहे हो? कथा पड़ोसी सोए ना, कहीं सो जाए पड़ोस वाला, वैसे मेरी निगाह है कोई चक्कर नहीं, लेकिन फिर भी कोई खबर लगे सास बरा सो रहा, कुनी मार के जगा देना। पर ये नहीं बोलना तू सो रहा, तो वो कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा गड़बड़ कर दी यार, समाधि लग रही थी मेरी, मैं तो अभी अभी बस मुलाकात होने वाली थी, बस वो सामने ही था, वो आने ही वाला था, और तूने बीच में आके। नहीं, वो मानेगा नहीं। जागृति कथा आपको जागृत कर रही। रेदास कह रहे ना वाणी में, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है।
हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बहुत जन्म बिछड़े ते माधो ये जन्म तुम्हारा लिखे एक क्षण कबीर कह रहे वाणी में गुरु कृपाल कृपा जब केवल एक क्षण लगता है बुल्ले ने क्या कहा बुल्ले आ मंदा की समझाना बोलो 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 इधरों उठना होता ही नहीं महाराज ये बड़ा ये कहना ये साना इतो पुटना इतने लाना जन्म जन्म बीत जाते हैं ये क्रिया संपन्न नहीं हो पाती ये हो नहीं पाता क्योंकि बिन गुरु के नहीं होता बिन सदगुरु के नहीं होता तभी कबीर के गुरु आए तो एक क्षण में हो जाएगा बट हाउ इट कैन पॉसिबल कि जो इतने जन्मों से नहीं हुआ वो एक सेकंड में हो सकता है क्या होता है एक सेकंड में होता है हाँ एक सेकंड ही लगता है कोई व्यक्ति 8 घंटे से सो रहा हो उसको जगाना हो तो क्या 8 घंटे लगेंगे नहीं आवाज दो जग जाएगा हाँ शर्त है वो सो रहा हो भले कितनी गहरी नींद में सो रहा हो जगाया जा सकता है लेकिन सोने का नाटक ना करें नाटक करने वाले को आप नहीं जगा सकते फिर लाख कोशिश कर नहीं जगाया जा सकता सो रहा हो बोले गहरी नींद में हो जगाया जाएगा वाणी जगाती है दो पत्थर चकमक के पास पड़े हो जिनको रगड़ने से आग निकलती है लाखों वर्ष से पड़े हैं पास में अग्नि है उनमें लेकिन रगड़ने वाला कोई नहीं था रगड़ नहीं थी तो क्या अब इनको रगड़ इन पर अग्नि पैदा करने के लिए लाखों साल लगेंगे नहीं अब जाओ उठाओ रगड़ो एक सेकंड लगेगा आग पैदा हो जाएगी अंदर आग है भक्ति की आग है लेकिन रगड़ नहीं है गुरु क्या करता है सदगुरु आता है तो फिर ये भीतर आपके और राम के भीतर में जो अग्नि प्रकट करनी है बस ये वही काम करता है ये वही काम करता है नारद कह रहे हैं नारद कह रहे अपने भक्ति सूत्रों में कि यत लब्धमा पुमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती सूत्र समझना यत लब्धमा पुमान बोलो फटाफट माइक में बोलो सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो अगला सूत्र बोलो यत प्राप्य शोक न भवति न रमति नौसाव भवति यत ज्ञात्वा मत भक्ति स्तब्ध भक्ति आत्मा रामो भवति गुरु क्या कर रहा है आत्मा राम का अर्थ क्या होता है एक अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला है इसलिए उसको आत्मा राम बोलते हैं दूसरा एक अर्थ होता है कि आत्मा और राम के बीच का स्पेस खत्म कर दिया जो आपके और राम जी के मध्य में जो गैप था ना वो खत्म हो गया तुमरो मंत्र भविष्य माना लंकेश्वर वे सब जग जाना गैप खत्म मत भवती स्तब्ध भवती आत्मा रामो भवती जीव आत्मा राम हो जाएगा इस प्रकरण को कल करेंगे आज प्रथम दिवस है प्रथम श्लोक पद्म पुराण का मेरे साथ गाइए ऐसे बैठी जैसे मैं बैठा हूं सचिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यह पद्म पुराण के अंतर्गत प्रथम श्लोक है दो पुराणों में यहाँ पर महिमा गाई गई है भागवत के प्रणव अभी भागवत नहीं शुरू हुई
अभी तो महिमा की चर्चा चलेगी। प्रथम पद्म पुराण के अंतर्गत और फिर भागवत के विराम पर स्कंद पुराण की महिमा गाई गई है। और पद्म पुराण की महिमा इस बात की ओर इंगित करती है कि अगर व्यक्ति का शरीर छूट जाए लेकिन मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि मुक्ति किसकी? मन की। मैंने पहले अटक कौन रहा है, जोर से बोलो, भटक कौन रहा है, तो फिर मुक्ति किसको चाहिए? मन को ही चाहिए। हम 3 बजे आ सकते थे, 3:30 लेकर आने वाला कौन था? हम 3 बजे आ सकते थे, 5:30 बजे लेकर आने वाला कौन था? हम 3 बजे पहले दिन पहुंच सकते थे, पर हमको जगह जगह घुमाने वाला कौन था? मन का। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिर काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा, फिर काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा, फिर काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा, काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, नित का धर्म क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, नित का धर्म क्या माने। एक दिन, दो दिन, तीनों टाइम, 4 दिन, 5 दिन रेस्टोरेंट पे खाइए, ढाबे पर खाइए, 5-7 स्टार होटल में गाइए, लेकिन 5-6 दिन बाद स्वाद घर के, मोबाइल बंद करें। लेकिन 4-5 दिन जब भी ये स्वाद, तो फिर घर की रोटी का ही आएगा। लेकिन एहसास कब होता है? भटकने के बाद ही होता है। एहसास भी तो होता है, उब जाओगे, थोड़ा घूम लेना बाहर, अपना घर ही सुख देता है, कब एहसास होता है? थोड़ा भटक लेना, उसके बाद ही पता चलता है, तब एहसास होता है। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, नित का धर्म क्या माने। चाही अगर उजियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, चाही अगर उजियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा, गाओ गुनगुनाओ, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्णा कृष्णा। एक कमरे में बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा, अपने हाथ में तलवार उठाई और लड़ते हुए, मैं खत्म कर दूंगा आज, मैं इस अंधकार को ध्वस्त कर दूंगा। आप जन्म जन्म लगे रहिए महाराज, नहीं होगा। क्यों मूर्खता कर रहे हैं? इस अंधकार से छूटने का एक ही साधन है, वो क्या? एक छोटा सा दीपक उठाइए और उसे प्रज्वलित कीजिए, और जैसे छोटा सा दीपक जगमगाएगा, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इतना सा काम करना है, तभी हमने वैदिक प्रार्थना की, अस्तो मां सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मेरे अंतर अंधकार बहुत है हे गुरु हे सदगुरु आप कृपा करें तो भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए सतगुरु नानक प्रगटया मिट तुंद जग चानन हुआ गुरु प्रगट होता है गुरु गुरु केवल देह का नाम नहीं फिजिकल फॉर्म का नाम गुरु नहीं है भीतर बैठे परम चेतन तत्व का नाम गुरु अंदर बैठे ईश्वर तत्व का वो जो भीतर बैठा है वो जब देते हैं ना महाराज तो फिर ये मन अपने आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा अपने ऑटोमेटिकली जो मन संसार की ओर दौड़ता है खबर नहीं लगती वो मन कब रघुनाथ की ओर दौड़ने लग जाता है ये गुरु कृपा ये सब ये भागवत यही करती है महाराज और ये साधन क्या करेगी आपके भीतर राम तत्व को सृजित कर रही है क्रिएट कर रही है जागृत कर रही है आपके भीतर में वो जैसे जागृत होता है तो फिर जो आनंद है वो अनुभव का विषय है वो आनंद का कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा मन का मिटे अंधियारा मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा रावण जागृत था तुम्हारा अच्छा मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 कथा आपको प्रभु के करीब लेकर आ रही है बहुत करीब बड़ी समीप जब राम गए ना यज्ञशाला में वो धनुष भंजन करने के लिए 10,000 योद्धा बंदीजन अनाउंस कर रहे पहले 10,000 का अर्थ है जितने बैठे सब शून्य हैं और अंक केवल एक ही है और वो केवल राम है धनुष उठेगा तो राम जी के हाथों से उठेगा और इतना बड़ा धनुष गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं 10,000 योद्धा इकट्ठे मिलकर धनुष को उठा नहीं पाते इतनी समर्थता भी नहीं है आप विचार करो वो धनुष कैसा है 10,000 योद्धा इकट्ठे खड़े उठाने के लिए 10,000 योद्धा 20,000 हाथ उनके आप विचार करो वो धनुष कितना बड़ा है और उसी एक धनुष को राम जी ने उठा दिया और कितने समय में उठाया कितना समय लगा राम जी को धनुष उठाने में क्षण में नहीं लगा तेही क्षण मध्य राम धनु तोरा तुलसी कह रहे हैं तेही क्षण मध्य राम धनु तोरा एक क्षण शुरू हुआ खत्म हो जाए उसके बीचों बीच राम जी ने तोड़ दिया अब इसका अर्थ बहुत प्रकार किया जाता है उसका समय हमारे पास नहीं है तेही तन तेही क्षण राम मध्य धनु तोरा तोड़ दिया अब संतों ने प्रश्न किया रघुनाथ एक बात बताइए इतना बड़ा धनुष 10,000 योद्धा से टस से मस नहीं होता और आपने उसे उठा भी दिया बोले हाँ प्रत्यंचा भी चढ़ा दी बोले हाँ तोड़ भी दिया बोले हाँ पर प्रभु एक बात बताइए इतना भारी धनुष जो किसी से हिला नहीं उसको तो तोड़ दिया पर जो उसके साथ धागा लगा था उसे नहीं आप तोड़ पाए वो क्यों इतना नाजुक सा धागा उसको नहीं आप तोड़ पाए दुरुस्त तोड़ दिया राम मुस्कुराए कारण है बोले क्या जब मैंने धनुष की पतंजा चढ़ाई और जब मैं उसे खींच रहा था तो वो जो धनुष था जो हिला नहीं वो मुझसे दूर जा रहा था और वो धागा जो नाजुक था वो मेरे दिल के पास आ रहा था जो मुझसे दूर जाता है वो खंड खंड हो जाता है और जो मेरे हृदय के समीप आता है उसको कोई बाल बाल का भी नहीं कर सकता करीब रहो महाराज इतनी करीब हृदय के पास सुरक्षित हो भगवान की करीब रही है यही प्रकरण संत महात्मा सुनाते हैं ना रामेश्वरम गए आप रामेश्वरम कोई गया दर्शन करने वाह ऐसे हाथ उठने चाहिए जब राम जी ने वो सेना निर्माण कर रही है सेतु का तो राम जी ने भी पत्थर फेंका था
डूब गया। देखिए राम ने एक तरफ जाके छोड़ा था, बीचों बीच खतरा है कोई देख ले तो राम जी गए पत्थर उठाए साइड पे तो देखा किसने, एक ही था देखने वाला और वो कौन, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी। हनुमान जी देख लिए, बोलो प्रभु ये तो बताने का विषय है। राम ने कहा हनुमान हर बात नहीं बताया कर, नहीं प्रभु ये बताना चाहिए संसार को क्या कि जिसको राम जी ने छोड़ दिया वो डूबता ही डूबता है, वो तरे कैसे। इधर सेतु बना तो रावण को मदोदरी को खबर लगी, बोले अब तो मान जाइए सरकार, वो साक्षात परिशुत्तम परमात्मा परिपूर्ण ब्रह्म धरती पर प्रकट हुए और आप अब भी युद्ध की बात सोचते हैं। बोले क्यों, बोले जिसके नाम पर पत्थर तैर रहे हैं आप उसका मुकाबला क्या करोगे। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे नाम से भी तैर जाएंगे, आप रहने दीजिए ज्यादा अहम मत किया कीजिए, मैं पत्नी हूं आपका सब जानती हूं, मुझसे थोड़ा बचके रहिए। रावण ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे नाम से पत्थर तैरेंगे। बोले ठीक है अगर आपके नाम से तैर के युद्ध कर लेना अन्यथा फिर छोड़ देना। बोले ठीक है चलो। रावण मदोदरी समुद्र के तट पर पत्थर हाथ में लिया, रावण लिखा और पत्थर डाला, पत्थर तैर रहा है। मदोदरी बोले नहीं गड़बड़ है, मैं आपको जानती हूँ, सच कहिए का पत्थर क्यों तैर रहा है। बोले हमारे नाम से भी तैरता है, अगर राम के नाम से तैरता तो हमारे नाम। बोले नहीं नहीं आप सच बताइए क्या कारण है। रावण के नेत्र सजल है, बोले जब मैंने पत्थर को छोड़ा तो एक ही बात कही थी, सुगंध तुझे राम की जो तू डूब गया और पत्थर तैरता है महाराज। बोले नाम कोई भी हो लेकिन तत्व राम का है, तत्व राम का है, इसलिए अपने कथा आपके भीतर छिपे राम तत्व को जागृत करने के लिए है, कृष्ण तत्व को जागृत। बाहरी प्रकरण में ये नाम अलग अलग होंगे लेकिन परम ध्यान के पथ पर ये नाम एक ही है, इसलिए कथा आपके मन को सन्यासी बना रही है। गोपिकाएं परम सन्यासी हैं, छूट जाए रंग में तेरे, रंग गई गिरधर छूट गया जग सारा। आज की वाणी को विराम देते हैं, कल ठीक 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे।